दोस्तों, अगर आप नागार्जुन की सुपरहिट मूवी शिवा द सुपर हीरो 2 को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है शिवा द सुपर हीरो 2। ये फिल्म कौन सी है और ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। इस फिल्म के बारे में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इस फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो किस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर किस सैटेलाइट चैनल पर आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगा, इस पर भी मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही हम इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूज़िक डिपार्टमेंट, प्री प्रोडक्शन, फिल्मिंग, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। इस फिल्म की स्टोरी पर भी हम बात करेंगे और इस फिल्म की स्टोरी का एक छोटा सा रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा इस फिल्म के फैक्ट्स, स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट, फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कौन से करेक्टर ने क्या किरदार अदा किया है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसीलिए आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। शिवा द सुपर हीरो 2 2012 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन फैंटसी फिल्म है जिसे श्रीनिवासा रेड्डी ने लिखा और हदायतकारी की और RR वेंकट ने RR मूवी मेकर्स पर प्रोड्यूस किया। इसमें नागार्जुन, अनुक्षा शेट्टी, प्रकाश राज और पी रविशंकर ने अदाकारी की है। मौसीकी देवी श्री प्रसाद ने तरतीब दी है जिसकी सिनेमेटोग्राफी छोटा के नायडो ने की है। ये फिल्म 2012 में रिलीज़ हुई और नागार्जुन की कारकर्दगी को सहराने वाले नाकदीन के मुस्बत जायजों के लिए खोली गई। नायडो ने बेहतरीन सिनेमेटोग्राफर साउथ का फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। शिवा द सुपर हीरो 2 फिल्म में हम देखते हैं कि फिल्म का मरकजी किरदार भगवान शिवा के इलाही फजल से पैदा हुआ है और लड़के के वालदैन को मशवरा दिया जाता है कि वो इसका नाम मलेकराजुन रखें क्योंकि उसका मुकद्दर एक अजीम काम अंजाम देना है। अपने बचपन के दौरान मलकार्जुन को एक बड़े सानिये का सामना करना पड़ता है क्योंकि उसके वालदैन और दादा दादी कासासी वापस आते ही एक बड़े पैंथर के हाथों मारे जाते हैं। इस वाक्य से उसकी छोटी बहन साइलो कमर से मफलूज होकर रह जाती है और इस वजह से वो लंगड़ी हो जाती है। साइलो इस वाक्य से पहले नाचने का हुनर रखता था। माली फिर भगवान शिवा के तई शदीद नफरत पैदा करता है। दरियासना मंदिर अंधा का सोरा नामी शैतान की तवज्जो की तरफ जाता है। हम उसे भगवान शिवा का वर्द हासिल करने के लिए सख्त तपस्या करते हुए देखते हैं। भगवान शिवा ने शैतान को बरकत दी कि वो तीनों जहानों पर मुकम्मल हुक्मरानी हासिल करने के लिए एक कुंवारी लड़की को कुर्बान करने के बाद की कोशिश में मुदाखलत नहीं करेगा। शैतान को उसकी बूढ़ी सहेली माई ने मशवरा दिया कि कुर्बानी एक महीने में दो सूरज ग्रहण के साथ करनी चाहिए। इस तरह के इस लड़की से शादी करनी होगी और सूरज ग्रहण ख़त्म होने से पहले उसकी कुर्बानी करनी होगी। ये शैतान को बेमिसाल और पांचवें अनासर पर मालिक बना देगा। इसके बाद कानी माली की तरफ मुंतकिल हो जाती है जो अब एक बालिग है जिसका मकसद लोगों की मदद करना है और अपनी बिस्तर पर बहन की देखभाल करना है। उसे अस्पताल के दौरे पर डॉक्टर महेश्वरी से प्यार हो जाता है जहां उसकी बहन का इलाज किया जा रहा है। ऐसे बहुत से मनाजिर हैं जहां मलहद माली अपने बचपन के सानिये की वजह से अपनी कॉलोनी के लोगों को, जिनमें रोदरकश, रंगू राजा, सदर और दीगर शामिल हैं, उनको पूजा ना करने पर मजबूर करता है। फिर एक दिन साइलो मरने ही वाली थी जब माली जाता है। साइलो ने उसे बताया कि वो अपने नाकाबले बर्दाश्त दर्द की वजह से मरना चाहती है। इस मौके पर माली लॉर्ड शिवा से उसकी हालत के बारे में सवाल करता है और अपनी गाड़ी में चला जाता है। सिर्फ एक हादसे का सामना करना पड़ता है लेकिन भगवान शिवा ने मुदाखलत की और उसे बचा लिया। भगवान शिवा अपने आप को सांबिया कहता है, माली से दोस्ती करता है और अपने घर चला जाता है। शैतान डॉक्टर महेश्वरी को कुर्बानी के लिए अपने हदफ के तौर पर चुनता है और सूरज ग्रहण के पहले दिन अगोरा जो मंदिर पहुँचते हैं उनको माही तक रसाई से रोकता है। माली ने माही को अघोरों से बचाया और माही के वालदैन माली को माही की देखभाल के लिए सौंप देते हैं। फिर माही के वालदैन माही की शादी एक रिश्तेदार राहुल से करने का फैसला करते हैं जो अमेरिका से आने वाला है। ये मशवरा माही के ख़ानदान के जानने वाले एक साहिब ने दिया है। हवाई अड्डे पर पहुँचने पर अंधा कासोर ने राहुल को वाशरूम में उसे मार डाला और उसकी लाश अपने पास रख ली। अंधा कासोर जो अब राहुल की शक्ल में है माही के घर में दाखिल होता है और माही की हिफाजत करने वाले तीन कुत्तों को मार डालता है।
शैतान माही के वालिद को भी मफलूज कर देता है जब उसे उसके बारे में सच्चाई मालूम होती है। वो एक मंदिर जाते हुए माली और माही को मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन भगवान शिवा ने अपनी अलाही गाड़ी नंदिनी को बेचकर मुदाखलत की जो माली को बचाता है। इससे शैतान को गुस्सा आता है, जो महसूस करता है कि भगवान शिवा ने अपना वादा पूरा नहीं किया है। वो रब को चैलेंज करता है, जिसका वो जवाब देता है कि अपने अकीदे अकीदतमंद की हिफाजत करना उसका फ़र्ज था। शैतान फिर लॉर्ड शिवा की मुखालफत करने का फ़ैसला करता है, इसलिए वो माही के ख़ानदान के नाम से मशहूर सन्नत को मार डालता है, उसकी नकल करता है और माली माही और दीगर को कायल करता है कि सांबिया के हाथों उसकी मौत का झूठा दावा करके सांबिया अच्छा इंसान नहीं है। उससे माली को सांबिया पर गुस्सा आता है और वो सांबिया की तरफ से दी गई दोस्ती की अंगूठी वापस कर देता है। आखिरकार माली ने माही के ख़ानदान को राज़ी कर लिया कि राहुल अंधा का शोर है। फिर शैतान माही को कुर्बानी के मुकाम पर ले जाता है और रस्म की तैयारी करता है। माली को अगोरा के सरबराह ने भगवान की शिवा की पूजा करने का मशवरा दिया। वो माली को अपने जन्म के मकसद के बारे में बताता है कि वो बदरूह को ख़त्म करे और उसे करने के ज़राए, क्योंकि वो माली के बचपन में उस सानिया का सबब था और भगवान शिवा ने उसे बचाया। सांबिया के तौर पर माली का मुकाबला शैतान से होता है और इब्तिदा में उसे शिकस्त होती है, लेकिन वो भगवान शिवा से आशीर्वाद हासिल करने के लिए आसमान की तरफ जाता है और आखिरकार अंधा कसोर को भगवान शिवा के दिए गए त्रिशूल से छेद करके तबाह कर देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। फिल्म की शूटिंग 25 अप्रैल 2011 को शुरू हुई। फिल्म का पहला शेड्यूल स्विट्ज़रलैंड में था, जहाँ नागार्जुना अनुष्का शेट्टी के साथ राजू संद्रम की कोरियोग्राफी में रोमांस करेंगे। 29 सितंबर 2012 को इस समाजी ख्याली फिल्म का थ्रेटिकल ट्रेलर फिल्म रेबल के साथ रिलीज़ हुआ, जिसने उस दिन सिनेमा घरों की जीनत बनाई। प्रोड्यूसर डॉक्टर वेंकट के मुताबिक ट्रेलर को फिल्म देखने वालों का ज़बरदस्त रद्दअमल मिला। यह फिल्म 70 मिनट से ज़्यादा के खसूसी असरात के साथ अब तक की पहली तेलुगु फिल्म है। फायरफ्री क्रिएटिव स्टूडियोज़ में बसरी असरात के माहिरीन की एक टीम एक साल से ज़्यादा अरसे से फिल्म पर काम कर रही है। फायरफ्लाई वो कंपनी जिसने अंजनी अरुंधति मंगदेरा और अनागंगा ओदेरोडोक जैसी फिल्मों के लिए खसूसी असरात पर काम किया। वैष्णवी फिल्म ने बैरून मुल्क के थिएटर के हकूक खरीदे थे। शिवा द सुपर हीरो 2 फिल्म को श्रीनिवासा रेड्डी ने डायरेक्ट किया था, जबकि ये श्रीनिवासा रेड्डी की ही स्क्रीन प्ले है। इस फिल्म की अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो आर वेंकट और के अची रेड्डी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको नागार्जुना, अनुष्का शेट्टी, प्रकाश राज और पी रविशंकर मेन किरदार में नज़र आएंगे। इस फिल्म की अगर सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो छोटा के नायडू ने इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी का काम किया था, जबकि गौतम राजू ने इस फिल्म को एडिट किया था। इसके अलावा देवी श्री प्रसाद ने इस फिल्म के म्यूज़िक को कंपोज किया था। इस फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो आर मूवी मेकर्स के बैनर तले इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था। यह फिल्म 23 नवंबर 2012 को रिलीज़ हुई थी, जिसका रनिंग टाइम तकरीबन 157 मिनट है और इस फिल्म को उस वक्त सिर्फ तेलुगु जबान में रिलीज़ किया गया था। शिवा द सुपर हीरो 2 फिल्म को 35 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था, जबकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 18 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। इस फिल्म के अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 5.3 की रेटिंग मिली हुई है, जहां पर तकरीबन 677 लोगों ने इस फिल्म के लिए वोट किया है। शिवा द सुपर हीरो 2 2012 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन फैंटसी फिल्म है, जिसे श्रीनिवासा रेड्डी ने लिखा और हिदायतकारी की और आर वेंकट ने आर मूवी मेकर्स पर प्रोड्यूस किया। इसमें नागार्जुन, अनुक्षा शेट्टी, प्रकाश राज और पी रविशंकर ने अदाकारी की है। मौसीकी देवी श्री प्रसाद ने तरतीब दी है, जिसकी सिनेमेटोग्राफी छोटा के नायडू ने की है। ये फिल्म 2012 में रिलीज़ हुई और नागार्जुना की कारकर्दगी को सहराने वाले नाकदीन के मुसबत जायजों के लिए खोली गई। नायडू ने बेहतरीन सिनेमेटोग्राफर साउथ का फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। शिवा द सुपर हीरो 2 फिल्म में हम देखते हैं कि फिल्म का मरकजी किरदार भगवान शिवा के इलाही फजल से पैदा हुआ है और लड़के के वालदैन को मशवरा दिया जाता है कि वो इसका नाम मलेकरा जुन रखें, क्योंकि उसका मुकद्दर एक अजीम काम अंजाम देना है। अपने बचपन के दौरान मलकार्जुन को एक बड़े सानिये का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसके वालदैन और दादा दादी कासासी वापस आते ही एक बड़े पैंथर के हाथों मारे जाते हैं। इस वाक्य से उसकी छोटी बहन साइलो कमर से मफलूज होकर रह जाती है और इस वजह से वो लंगड़ी हो जाती है। साइलो इस वाक्य से पहले नाचने का हुनर रखता था।
माली फिर भगवान शिवा के तई शदीद नफरत पैदा करता है। दरियासना मंदर अंधा का सोरा नामी शैतान की तवज्जो की तरफ जाता है। हम उसे भगवान शिवा का वर्द हासिल करने के लिए सख्त तपस्या करते हुए देखते हैं। भगवान शिवा ने शैतान को बरकत दी कि वो तीनों जहानों पर मुकम्मल हुक्मरानी हासिल करने के लिए एक कुंवारी लड़की को कुर्बान करने के बाद की कोशिश में मुदाखलत नहीं करेगा। शैतान को उसकी बूढ़ी सहेली माई ने मशवरा दिया कि कुर्बानी एक महीने में दो सूरज ग्रहण के साथ करनी चाहिए। इस तरह के इस लड़की से शादी करनी होगी और सूरज ग्रहण ख़त्म होने से पहले उसकी कुर्बानी करनी होगी। ये शैतान को बेमिसाल और पाँचवें अनासर पर मालिक बना देगा। इसके बाद कानी माली की तरफ मुंतकिल हो जाती है, जो अब एक बालिग है जिसका मकसद लोगों की मदद करना है और अपनी बिस्तर पर अपनी बहन की देखभाल करना है। उसे अस्पताल के दौरे पर डॉक्टर महेश्वरी से प्यार हो जाता है, जहां उसकी बहन का इलाज किया जा रहा है। ऐसे बहुत से मनाजिर हैं जहां मलहद माली अपने बचपन के सानिये की वजह से अपनी कॉलोनी के लोगों को, जिनमें रोदरकश, रंगू राजा, सदर और दीगर शामिल हैं, उनको पूजा ना करने पर मजबूर करता है। फिर एक दिन साइलो मरने ही वाली थी, जब माली जाता है। साइलो ने उसे बताया कि वो अपने नाकाबले बर्दाश्त दर्द की वजह से मरना चाहती है। इस मौके पर माली लॉर्ड शिवा से उसकी हालत के बारे में सवाल करता है और अपनी गाड़ी में चला जाता है। सिर्फ एक हादसे का सामना करना पड़ता है, लेकिन भगवान शिवा ने मुदाखलत की और उसे बचा लिया। भगवान शिवा अपने आप को सांबिया कहता है, माली से दोस्ती करता है और अपने घर चला जाता है। शैतान डॉक्टर महेश्वरी को कुर्बानी के लिए अपने हदफ के तौर पर चुनता है और सूरज ग्रहण के पहले दिन अगोरा जो मंदिर पहुँचते हैं उनको माही तक रसाई से रोकता है। माली ने माही को अघोरों से बचाया और माही के वालदैन माली को माही की देखभाल के लिए सौंप देते हैं। फिर माही के वालदैन माही की शादी एक रिश्तेदार राहुल से करने का फैसला करते हैं, जो अमेरिका से आने वाला है। ये मशवरा माही के ख़ानदान के जानने वाले एक साहिब ने दिया है। हवाई अड्डे पर पहुँचने पर अंधा कासोर ने राहुल को वाशरूम में मार डाला और उसकी लाश अपने पास रख ली। अंधा कासोर, जो अब राहुल की शक्ल में है, माही के घर में दाखिल होता है और माही की हिफाजत करने वाले तीन कुत्तों को मार डालता है। शैतान माही के वालिद को भी मफलूज कर देता है, जब उसे उसके बारे में सच्चाई मालूम होती है। वो एक मंदिर जाते हुए माली और माही को मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन भगवान शिवा ने अपनी अलाही गाड़ी नंदिनी को बेचकर मुदाखलत की, जो माली को बचाता है। इससे शैतान को गुस्सा आता है, जो महसूस करता है कि भगवान शिवा ने अपना वादा पूरा नहीं किया है। वो रब को चैलेंज करता है, जिसका वो जवाब देता है कि अपने अकीदतमंद की हिफाजत करना उसका फ़र्ज था। शैतान फिर लॉर्ड शिवा की मुखालफत करने का फ़ैसला करता है, इसलिए वो माही के ख़ानदान के नाम से मशहूर सन्नत को मार डालता है, उसकी नकल करता है और माली, माही और दीगर को कायल करता है कि सांबिया के हाथों उसकी मौत का झूठा दावा करके सांबिया अच्छा इंसान नहीं है। उससे माली को सांबिया पर गुस्सा आता है और वो सांबिया की तरफ से दी गई दोस्ती की अंगूठी वापस कर देता है। आखिरकार माली ने माही के ख़ानदान को राज़ी कर लिया कि राहुल अंधा का सोर है। फिर शैतान माही को कुर्बानी के मुकाम पर ले जाता है और रस्म की तैयारी करता है। माली को अगोरा के सरबराह ने भगवान की शिवा की पूजा करने का मशवरा दिया। वो माली को अपने जन्म के मकसद के बारे में बताता है कि वो बदरूह को ख़त्म करे और उसे करने के ज़राए, क्योंकि वो माली के बचपन में उस सानिया का सबब था और भगवान शिवा ने उसे बचाया। सांबिया के तौर पर माली का मुकाबला शैतान से होता है और इब्तिदा में उसे शिकस्त होती है, लेकिन वो भगवान शिवा से आशीर्वाद हासिल करने के लिए आसमान की तरफ जाता है और आखिरकार अंधा कसोर को भगवान शिवा के दिए गए त्रिशूल से छेद करके तबाह कर देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। फिल्म की शूटिंग 25 अप्रैल 2011 को शुरू हुई। फिल्म का पहला शेड्यूल स्विट्ज़रलैंड में था, जहाँ नागार्जुना अनुष्का शेट्टी के साथ राजू संद्रम की कोरियोग्राफी में रोमांस करेंगे। 29 सितंबर 2012 को इस समाजी ख्याली फिल्म का थ्रेटिकल ट्रेलर फिल्म रेबल के साथ रिलीज़ हुआ, जिसने उस दिन सिनेमा घरों की जीनत बनाई। प्रोड्यूसर डॉक्टर वेंकट के मुताबिक ट्रेलर को फिल्म देखने वालों का ज़बरदस्त रद्दअमल मिला। यह फिल्म 70 मिनट से ज़्यादा के खसूसी असरात के साथ अब तक की पहली तेलुगु फिल्म है। फायरफ्री क्रिएटिव स्टूडियोज़ में बसरी असरात के माहिरीन की एक टीम एक साल से ज़्यादा अरसे से फिल्म पर काम कर रही है। फायरफ्लाई वो कंपनी जिसने अंजनी, अरुंधति मंगदेरा और अनागंगा ओदेरोडोक जैसी फिल्मों के लिए खसूसी असरात पर काम किया। वैष्णवी फिल्म ने बैरून मुल्क थिएटर के हकूक खरीदे थे। शिवा द सुपर हीरो 2 फिल्म को श्रीनिवासा रेड्डी ने डायरेक्ट किया था।
जबकि यह श्रीनिवास रेड्डी की ही स्क्रीन प्ले है। इस फिल्म की अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो आर वेंकट और के अच्छी रेड्डी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको नागार्जुना, अनुष्का शेट्टी, प्रकाश राज और पी रविशंकर मेन किरदार में नज़र आएंगे। इस फिल्म की अगर सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो छोटा के नायडू ने इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी का काम किया था, जबकि गौतम राजू ने इस फिल्म को एडिट किया था। इसके अलावा देवी श्री प्रसाद ने इस फिल्म के म्यूज़िक को कंपोज़ किया था। इस फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो आर मूवी मेकर्स के बैनर तले इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था। यह फिल्म 23 नवंबर 2012 को रिलीज़ हुई थी, जिसका रनिंग टाइम तकरीबन 157 मिनट है और इस फिल्म को उस वक्त सिर्फ तेलुगु जबान में रिलीज़ किया गया था। शिवा द सुपर हीरो 2 फिल्म को 35 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था, जबकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 18 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। इस फिल्म के अगर IMDB रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को IMDB पर 10 में से 5.3 की रेटिंग मिली हुई है, जहां पर तकरीबन 677 लोगों ने इस फिल्म के लिए वोट किया है। शिवा द सुपर हीरो 2 2012 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन फैंटसी फिल्म है, जिसे श्रीनिवासा रेड्डी ने लिखा और हिदायतकारी की और आर वेंकट ने आर मूवी मेकर्स पर प्रोड्यूस किया। इसमें नागार्जुन, अनुक्षा शेट्टी, प्रकाश राज और पी रविशंकर ने अदाकारी की है। मौसीकी देवी श्री प्रसाद ने तरतीब दी है, जिसकी सिनेमेटोग्राफी छोटा के नायडू ने की है। यह फिल्म 2012 में रिलीज़ हुई और नागार्जुना की कारकर्दगी को सहराने वाले नाकदीन के मुस्बत जायजों के लिए खोली गई। नायडू ने बेहतरीन सिनेमेटोग्राफर साउथ का फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। शिवा द सुपर हीरो 2 फिल्म में हम देखते हैं कि फिल्म का मरकजी किरदार भगवान शिवा के इलाही फजल से पैदा हुआ है और लड़के के वालदैन को मशवरा दिया जाता है कि वो इसका नाम मलेकराजुन रखें, क्योंकि उसका मुकद्दर एक अजीम काम अंजाम देना है। अपने बचपन के दौरान मलकार्जुन को एक बड़े सानिये का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसके वालदैन और दादा दादी कासासी वापस आते ही एक बड़े पैंथर के हाथों मारे जाते हैं। इस वाक्य से उसकी छोटी बहन साइलो कमर से मफलूज होकर रह जाती है और इस वजह से वो लंगड़ी हो जाती है। साइलो इस वाक्य से पहले नाचने का हुनर रखता था। माली फिर भगवान शिवा के तई शदीद नफरत पैदा करता है। दरियासना मंदिर अंधा का सोरा नामी शैतान की तवज्जो की तरफ जाता है। हम उसे भगवान शिवा का वर्द हासिल करने के लिए सख्त तपस्या करते हुए देखते हैं। भगवान शिवा ने शैतान को बरकत दी कि वो तीनों जहानों पर मुकम्मल हुक्मरानी हासिल करने के लिए एक कुंवारी लड़की को कुर्बान करने के बाद की कोशिश में मुदाखलत नहीं करेगा। शैतान को उसकी बूढ़ी सहेली माई ने मशवरा दिया कि कुर्बानी एक महीने में 2 सूरज ग्रहण के साथ करनी चाहिए। इस तरह के इस लड़की से शादी करनी होगी और सूरज ग्रहण ख़त्म होने से पहले उसकी कुर्बानी करनी होगी। ये शैतान को बेमिसाल और 5वें अनासिर पर मालिक बना देगा। इसके बाद कानी माली की तरफ मुंतकिल हो जाती है, जो अब एक बालिग है जिसका मकसद लोगों की मदद करना है और अपनी बिस्तर पर बहन की देखभाल करना है। उसे अस्पताल के दौरे पर डॉक्टर महेश्वरी से प्यार हो जाता है, जहां उसकी बहन का इलाज किया जा रहा है। ऐसे बहुत से मनाजिर हैं जहां मलहद माली अपने बचपन के सानिये की वजह से अपनी कॉलोनी के लोगों को, जिनमें रोदरकश, रंगू राजा, सदर और दीगर शामिल हैं, उनको पूजा ना करने पर मजबूर करता है। फिर एक दिन साइलो मरने ही वाली थी, जब माली जाता है। साइलो ने उसे बताया कि वो अपने नाकाबले बर्दाश्त दर्द की वजह से मरना चाहती है। इस मौके पर माली लॉर्ड शिवा से उसकी हालत के बारे में सवाल करता है और अपनी गाड़ी में चला जाता है। सिर्फ एक हादसे का सामना करना पड़ता है, लेकिन भगवान शिवा ने मुदाखलत की और उसे बचा लिया। भगवान शिवा अपने आप को सांबिया कहता है, माली से दोस्ती करता है और अपने घर चला जाता है। शैतान डॉक्टर महेश्वरी को कुर्बानी के लिए अपने हदफ के तौर पर चुनता है और सूरज ग्रहण के पहले दिन अगोरा जो मंदिर पहुँचते हैं उनको माही तक रसाई से रोकता है। माली ने माही को अघोरों से बचाया और माही के वालदैन माली को माही की देखभाल के लिए सौंप देते हैं। फिर माही के वालदैन माही की शादी एक रिश्तेदार राहुल से करने का फैसला करते हैं, जो अमेरिका से आने वाला है। ये मशवरा माही के ख़ानदान के जानने वाले एक साहिब ने दिया है। हवाई अड्डे पर पहुँचने पर अंधा कासोर ने राहुल को वाशरूम में मार डाला और उसकी लाश अपने पास रख ली। अंधा कासोर, जो अब राहुल की शक्ल में है, माही के घर में दाखिल होता है और माही की हिफाजत करने वाले 3 कुत्तों को मार डालता है। शैतान माही के वालिद को भी मफलूज कर देता है, जब उसे उसके बारे में सच्चाई मालूम होती है। वो एक मंदिर जाते हुए माली और माही को मारने की भी कोशिश करता है,
लेकिन भगवान शिवा ने अपनी अलाही गाड़ी नंदिनी को बेचकर मुदाखलत की, जो माली को बचाता है। इससे शैतान को गुस्सा आता है, जो महसूस करता है कि भगवान शिवा ने अपना वादा पूरा नहीं किया है। वो रब को चैलेंज करता है, जिसका वो जवाब देता है कि अपने अकीदे अकीदतमंद की हिफाजत करना उसका फ़र्ज था। शैतान फिर लॉर्ड शिवा की मुखालफत करने का फ़ैसला करता है, इसलिए वो माही के ख़ानदान के नाम से मशहूर सन्नत को मार डालता है, उसकी नकल करता है और माली माही और दीगर को कायल करता है कि सांबिया के हाथों उसकी मौत का झूठा दावा करके सांबिया अच्छा इंसान नहीं है। उससे माली को सांबिया पर गुस्सा आता है और वो सांबिया की तरफ से दी गई दोस्ती की अंगूठी वापस कर देता है। आखिरकार माली ने माही के ख़ानदान को राज़ी कर लिया कि राहुल अंधा का शोर है। फिर शैतान माही को कुर्बानी के मुकाम पर ले जाता है और रस्म की तैयारी करता है। माली को अगोरा के सरबराह ने भगवान की शिवा की पूजा करने का मशवरा दिया। वो माली को अपने जन्म के मकसद के बारे में बताता है कि वो बदरूह को ख़त्म करे और उसे करने के ज़राए, क्योंकि वो माली के बचपन में उस सानिया का सबब था और भगवान शिवा ने उसे बचाया। सांबिया के तौर पर माली का मुकाबला शैतान से होता है और इब्तिदा में उसे शिकस्त होती है, लेकिन वो भगवान शिवा से आशीर्वाद हासिल करने के लिए आसमान की तरफ जाता है और आखिरकार अंधा कसोर को भगवान शिवा के दिए गए त्रिशूल से छेद करके तबाह कर देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। फिल्म की शूटिंग 25 अप्रैल 2011 को शुरू हुई। फिल्म का पहला शेड्यूल स्विट्ज़रलैंड में था, जहाँ नागार्जुना अनुष्का शेट्टी के साथ राजू संद्रम की कोरियोग्राफी में रोमांस करेंगे। 29 सितंबर 2012 को इस समाजी ख्याली फिल्म का थ्रेटिकल ट्रेलर फिल्म रेबल के साथ रिलीज़ हुआ, जिसने उस दिन सिनेमा घरों की जीनत बनाई। प्रोड्यूसर डॉक्टर वेंकट के मुताबिक ट्रेलर को फिल्म देखने वालों का ज़बरदस्त रद्दअमल मिला। यह फिल्म 70 मिनट से ज़्यादा के खसूसी असरात के साथ अब तक की पहली तेलुगु फिल्म है। फायरफ्री क्रिएटिव स्टूडियोज़ में बसरी असरात के माहिरीन की एक टीम एक साल से ज़्यादा अरसे से फिल्म पर काम कर रही है। फायरफ्लाई वो कंपनी जिसने अंजनी अरुंधति मंगदेरा और अनागंगा ओदेरोडोक जैसी फिल्मों के लिए खसूसी असरात पर काम किया। वैष्णवी फिल्म ने बैरून मुल्क के थिएटर के हकूक खरीदे थे। शिवा द सुपर हीरो 2 फिल्म को श्रीनिवासा रेड्डी ने डायरेक्ट किया था, जबकि ये श्रीनिवासा रेड्डी की ही स्क्रीन प्ले है। इस फिल्म की अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो आर वेंकट और के अच्छी रेड्डी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको नागार्जुना, अनुष्का शेट्टी, प्रकाश राज और पी रविशंकर मेन किरदार में नज़र आएंगे। इस फिल्म की अगर सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो छोटा के नायडू ने इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी का काम किया था, जबकि गौतम राजू ने इस फिल्म को एडिट किया था। इसके अलावा देवी श्री प्रसाद ने इस फिल्म के म्यूज़िक को कंपोज़ किया था। इस फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो आर मूवी मेकर्स के बैनर तले इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था। यह फिल्म 23 नवंबर 2012 को रिलीज़ हुई थी, जिसका रनिंग टाइम तकरीबन 157 मिनट है और इस फिल्म को उस वक्त सिर्फ तेलुगु जबान में रिलीज़ किया गया था। शिवा द सुपर हीरो 2 फिल्म को 35 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था, जबकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 18 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। इस फिल्म के अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 5.3 की रेटिंग मिली हुई है, जहां पर तकरीबन 677 लोगों ने इस फिल्म के लिए वोट किया है। शिवा द सुपर हीरो 2 2012 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन फैंटसी फिल्म है, जिसे श्रीनिवासा रेड्डी ने लिखा और हदायतकारी की और आर वेंकट ने आर मूवी मेकर्स पर प्रोड्यूस किया। इसमें नागार्जुन, अनुक्षा शेट्टी, प्रकाश राज और पी रविशंकर ने अदाकारी की है। मौसीकी देवी श्री प्रसाद ने तरतीब दी है, जिसकी सिनेमेटोग्राफी छोटा के नायडू ने की है। ये फिल्म 2012 में रिलीज़ हुई और नागार्जुना की कारकर्दगी को सहराने वाले नाकदीन के मुसबत जायजों के लिए खोली गई। नायडू ने बेहतरीन सिनेमेटोग्राफर साउथ का फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। शिवा द सुपर हीरो 2 फिल्म में हम देखते हैं कि फिल्म का मरकजी किरदार भगवान शिवा के इलाही फजल से पैदा हुआ है और लड़के के वालदैन को मशवरा दिया जाता है कि वो इसका नाम मलेकरा जुन रखें, क्योंकि उसका मुकद्दर एक अजीम काम अंजाम देना है। अपने बचपन के दौरान मलकार्जुन को एक बड़े सानिये का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसके वालदैन और दादा दादी कासासी वापस आते ही एक बड़े पैंथर के हाथों मारे जाते हैं। इस वाक्य से उसकी छोटी बहन साइलो कमर से मफलूज होकर रह जाती है और इस वजह से वो लंगड़ी हो जाती है। साइलो इस वाक्य से पहले नाचने का हुनर रखता था। माली फिर भगवान शिवा के तई शदीद नफरत पैदा करता है। दरियासना मंदिर अंधा का सोरा नामी शैतान की तवज्जो की तरफ जाता है।
हम उसे भगवान शिवा का वरद हासिल करने के लिए सख्त तपस्या करते हुए देखते हैं। भगवान शिवा ने शैतान को बरकत दी कि वो तीनों जहानों पर मुकम्मल हुक्मरानी हासिल करने के लिए एक कुंवारी लड़की को कुर्बान करने के बाद की कोशिश में मुदाखलत नहीं करेगा। शैतान को उसकी बूढ़ी सहेली माई ने मशवरा दिया कि कुर्बानी एक महीने में दो सूरज ग्रहण के साथ करनी चाहिए। इस तरह के इस लड़की से शादी करनी होगी और सूरज ग्रहण ख़त्म होने से पहले उसकी कुर्बानी करनी होगी। ये शैतान को बेमिसाल और पाँचवें अनासर पर मालिक बना देगा। इसके बाद कानी माली की तरफ मुंतकिल हो जाती है, जो अब एक बालिग है जिसका मकसद लोगों की मदद करना है और अपनी बिस्तर पर अपनी बहन की देखभाल करना है। उसे अस्पताल के दौरे पर डॉक्टर महेश्वरी से प्यार हो जाता है, जहां उसकी बहन का इलाज किया जा रहा है। ऐसे बहुत से मनाजिर हैं जहां मलहद माली अपने बचपन के सानिये की वजह से अपनी कॉलोनी के लोगों को, जिनमें रोदरकश, रंगू राजा, सदर और दीगर शामिल हैं, उनको पूजा ना करने पर मजबूर करता है। फिर एक दिन साइलो मरने ही वाली थी, जब माली जाता है। साइलो ने उसे बताया कि वो अपने नाकाबले बर्दाश्त दर्द की वजह से मरना चाहती है। इस मौके पर माली लॉर्ड शिवा से उसकी हालत के बारे में सवाल करता है और अपनी गाड़ी में चला जाता है। सिर्फ एक हादसे का सामना करना पड़ता है, लेकिन भगवान शिवा ने मुदाखलत की और उसे बचा लिया। भगवान शिवा अपने आप को सांबिया कहता है, माली से दोस्ती करता है और अपने घर चला जाता है। शैतान डॉक्टर महेश्वरी को कुर्बानी के लिए अपने हदफ के तौर पर चुनता है और सूरज ग्रहण के पहले दिन अगोरा जो मंदिर पहुँचते हैं उनको माही तक रसाई से रोकता है। माली ने माही को अघोरों से बचाया और माही के वालदैन माली को माही की देखभाल के लिए सौंप देते हैं। फिर माही के वालदैन माही की शादी एक रिश्तेदार राहुल से करने का फैसला करते हैं, जो अमेरिका से आने वाला है। ये मशवरा माही के ख़ानदान के जानने वाले एक साहिब ने दिया है। हवाई अड्डे पर पहुँचने पर अंधा कासोर ने राहुल को वाशरूम में मार डाला और उसकी लाश अपने पास रख ली। अंधा कासोर, जो अब राहुल की शक्ल में है, माही के घर में दाखिल होता है और माही की हिफाजत करने वाले तीन कुत्तों को मार डालता है। शैतान माही के वालिद को भी मफलूज कर देता है, जब उसे उसके बारे में सच्चाई मालूम होती है। वो एक मंदिर जाते हुए माली और माही को मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन भगवान शिवा ने अपनी अलाही गाड़ी नंदिनी को बेचकर मुदाखलत की, जो माली को बचाता है। इससे शैतान को गुस्सा आता है, जो महसूस करता है कि भगवान शिवा ने अपना वादा पूरा नहीं किया है। वो रब को चैलेंज करता है, जिसका वो जवाब देता है कि अपने अकीदे अकीदतमंद की हिफाजत करना उसका फ़र्ज था। शैतान फिर लॉर्ड शिवा की मुखालफत करने का फ़ैसला करता है, इसलिए वो माही के ख़ानदान के नाम से मशहूर सन्नत को मार डालता है, उसकी नकल करता है और माली, माही और दीगर को कायल करता है कि सांबिया के हाथों उसकी मौत का झूठा दावा करके सांबिया अच्छा इंसान नहीं है। उससे माली को सांबिया पर गुस्सा आता है और वो सांबिया की तरफ से दी गई दोस्ती की अंगूठी वापस कर देता है। आखिरकार माली ने माही के ख़ानदान को राज़ी कर लिया कि राहुल अंधा का सोर है। फिर शैतान माही को कुर्बानी के मुकाम पर ले जाता है और रस्म की तैयारी करता है। माली को अगोरा के सरबराह ने भगवान की शिवा की पूजा करने का मशवरा दिया। वो माली को अपने जन्म के मकसद के बारे में बताता है कि वो बदरूह को ख़त्म करे और उसे करने के ज़राए, क्योंकि वो माली के बचपन में उस सानिया का सबब था और भगवान शिवा ने उसे बचाया। सांबिया के तौर पर माली का मुकाबला शैतान से होता है और इब्तिदा में उसे शिकस्त होती है, लेकिन वो भगवान शिवा से आशीर्वाद हासिल करने के लिए आसमान की तरफ जाता है और आखिरकार अंधा कसोर को भगवान शिवा के दिए गए त्रिशूल से छेद करके तबाह कर देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। फिल्म की शूटिंग 25 अप्रैल 2011 को शुरू हुई। फिल्म का पहला शेड्यूल स्विट्ज़रलैंड में था, जहां नागा रुजना अनुष्का शेट्टी के साथ राजू संद्रम की कोरियोग्राफी में रोमांस करेंगे। 29 सितंबर 2012 को इस समाजी ख्याली फिल्म का थ्रेटिकल ट्रेलर फिल्म रेबल के साथ रिलीज़ हुआ, जिसने उस दिन सिनेमा घरों की जीनत बनाई। प्रोड्यूसर डॉक्टर वेंकट के मुताबिक ट्रेलर को फिल्म देखने वालों का ज़बरदस्त रद्दअमल मिला। यह फिल्म 70 मिनट से ज़्यादा के खसूसी असरात के साथ अब तक की पहली तेलुगु फिल्म है। फायरफ्री क्रिएटिव स्टूडियोज़ में बसरी असरात के माहिरीन की एक टीम एक साल से ज़्यादा अरसे से फिल्म पर काम कर रही है। फायरफ्लाई वो कंपनी जिसने अंजनी, अरुंधनिथि, मंगदेरा और अनागंगा ओदेरोडोक जैसी फिल्मों के लिए खसूसी असरात पर काम किया। वैष्णवी फिल्म ने बैरून मुल्क थिएटर के हकूक खरीदे थे। शिवा द सुपर हीरो 2 फिल्म को श्रीनिवासा रेड्डी ने डायरेक्ट किया था, जबकि ये श्रीनिवासा रेड्डी की ही स्क्रीन प्ले है। इस फिल्म की अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो आर आर वेंकट
और के अची रेड्डी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको नागार्जुना, अनुष्का शेट्टी, प्रकाश राज और पी रविशंकर मेन किरदार में नजर आएंगे। इस फिल्म की अगर सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो छोटा के नायडू ने इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी का काम किया था, जबकि गौतम राजू ने इस फिल्म को एडिट किया था। इसके अलावा देवी श्री प्रसाद ने इस फिल्म के म्यूज़िक को कंपोज किया था। इस फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो आरआर मूवी मेकर्स के बैनर तले इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था। यह फिल्म 23 नवंबर 2012 को रिलीज़ हुई थी, जिसका रनिंग टाइम तकरीबन 157 मिनट है और इस फिल्म को उस वक्त सिर्फ तेलुगु जबान में रिलीज़ किया गया था। शिवा द सुपर हीरो 2 फिल्म को 35 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था, जबकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 18 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। इस फिल्म के अगर आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को आईएमडीबी पर 10 में से 5.3 की रेटिंग मिली हुई है, जहां पर तकरीबन 677 लोगों ने इस फिल्म के लिए वोट किया है। शिवा द सुपर हीरो 2 2012 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन फैंटसी फिल्म है, जिसे श्रीनिवासा रेड्डी ने लिखा और हिदायतकारी की और आरआर वेंकट ने आरआर मूवी मेकर्स पर प्रोड्यूस किया। इसमें नागार्जुन, अनुक्षा शेट्टी, प्रकाश राज और पी रविशंकर ने अदाकारी की है। मौसीकी देवी श्री प्रसाद ने तरतीब दी है, जिसकी सिनेमेटोग्राफी छोटा के नायडू ने की है। ये फिल्म 2012 में रिलीज़ हुई और नागार्जुना की कारकर्दगी को सहराने वाले नाकदीन के मुस्बत जायजों के लिए खोली गई। नायडू ने बेहतरीन सिनेमेटोग्राफर साउथ का फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। शिवा द सुपर हीरो 2 फिल्म में हम देखते हैं कि फिल्म का मरकजी किरदार भगवान शिवा के इलाही फजल से पैदा हुआ है और लड़के के वालदैन को मशवरा दिया जाता है कि वो इसका नाम मलेकराजुन रखें, क्योंकि उसका मुकद्दर एक अजीम काम अंजाम देना है। अपने बचपन के दौरान मलकार्जुन को एक बड़े सानिये का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसके वालदैन और दादा दादी कासासी वापस आते ही एक बड़े पैंथर के हाथों मारे जाते हैं। इस वाक्य से उसकी छोटी बहन साइलो कमर से मफलूज होकर रह जाती है और इस वजह से वो लंगड़ी हो जाती है। साइलो इस वाक्य से पहले नाचने का हुनर रखता था। माली फिर भगवान शिवा के तई शदीद नफरत पैदा करता है। दरियासना मंदिर अंधा का सोरा नामी शैतान की तवज्जो की तरफ जाता है। हम उसे भगवान शिवा का वर्द हासिल करने के लिए सख्त तपस्या करते हुए देखते हैं। भगवान शिवा ने शैतान को बरकत दी कि वो तीनों जहानों पर मुकम्मल हुक्मरानी हासिल करने के लिए एक कुंवारी लड़की को कुर्बान करने के बाद की कोशिश में मुदाखलत नहीं करेगा। शैतान को उसकी बूढ़ी सहेली माई ने मशवरा दिया कि कुर्बानी एक महीने में दो सूरज ग्रहण के साथ करनी चाहिए। इस तरह के इस लड़की से शादी करनी होगी और सूरज ग्रहण ख़त्म होने से पहले उसकी कुर्बानी करनी होगी। ये शैतान को बेमिसाल और पाँचवें अनासर पर मालिक बना देगा। इसके बाद कानी माली की तरफ मुंतकिल हो जाती है, जो अब एक बालिग है जिसका मकसद लोगों की मदद करना है और अपनी बिस्तर पर बहन की देखभाल करना है। उसे अस्पताल के दौरे पर डॉक्टर महेश्वरी से प्यार हो जाता है, जहां उसकी बहन का इलाज किया जा रहा है। ऐसे बहुत से मनाजिर हैं जहां मलहद माली अपने बचपन के सानिये की वजह से अपनी कॉलोनी के लोगों को, जिनमें रोदरकश, रंगू राजा, सदर और दीगर शामिल हैं, उनको पूजा ना करने पर मजबूर करता है। फिर एक दिन साइलो मरने ही वाली थी, जब माली जाता है। साइलो ने उसे बताया कि वो अपने नाकाबले बर्दाश्त दर्द की वजह से मरना चाहती है। इस मौके पर माली लॉर्ड शिवा से उसकी हालत के बारे में सवाल करता है और अपनी गाड़ी में चला जाता है। सिर्फ एक हादसे का सामना करना पड़ता है, लेकिन भगवान शिवा ने मुदाखलत की और उसे बचा लिया। भगवान शिवा अपने आप को सांबिया कहता है, माली से दोस्ती करता है और अपने घर चला जाता है। शैतान डॉक्टर महेश्वरी को कुर्बानी के लिए अपने हदफ के तौर पर चुनता है और सूरज ग्रहण के पहले दिन अगोरा जो मंदिर पहुंचते हैं उनको माही तक रसाई से रोकता है। माली ने माही को अगोरों से बचाया और माही के वालदैन माली को माही की देखभाल के लिए सौंप देते हैं। फिर माही के वालदैन माही की शादी एक रिश्तेदार राहुल से करने का फैसला करते हैं, जो अमेरिका से आने वाला है। ये मशवरा माही के ख़ानदान के जानने वाले एक साहिब ने दिया है। हवाई अड्डे पर पहुंचने पर अंधा कासोर ने राहुल को वॉशरूम में मार डाला और उसकी लाश अपने पास रख ली। अंधा कासोर, जो अब राहुल की शक्ल में है, माही के घर में दाखिल होता है और माही की हिफाजत करने वाले तीन कुत्तों को मार डालता है। शैतान माही के वालिद को भी मफलूज कर देता है, जब उसे उसके बारे में सच्चाई मालूम होती है। वो एक मंदिर जाते हुए माली और माही को मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन भगवान शिवा ने अपनी अलाही गाड़ी नंदिनी को बेचकर मुदाखलत की, जो माली को बचाता है।
इससे शैतान को गुस्सा आता है, जो महसूस करता है कि भगवान शिवा ने अपना वादा पूरा नहीं किया है। वो रब को चैलेंज करता है, जिसका वो जवाब देता है कि अपने अकीदे अकीदतमंद की हिफाजत करना उसका फ़र्ज था। शैतान फिर लॉर्ड शिवा की मुखालफत करने का फ़ैसला करता है, इसलिए वो माही के ख़ानदान के नाम से मशहूर सन्नत को मार डालता है, उसकी नकल करता है और माली माही और दीगर को कायल करता है कि सांबिया के हाथों उसकी मौत का झूठा दावा करके सांबिया अच्छा इंसान नहीं है। उससे माली को सांबिया पर गुस्सा आता है और वो सांबिया की तरफ से दी गई दोस्ती की अंगूठी वापस कर देता है। आखिरकार माली ने माही के ख़ानदान को राज़ी कर लिया कि राहुल अंधा का शोर है। फिर शैतान माही को कुर्बानी के मुकाम पर ले जाता है और रस्म की तैयारी करता है। माली को अगोरा के सरबराह ने भगवान की शिवा की पूजा करने का मशवरा दिया। वो माली को अपने जन्म के मकसद के बारे में बताता है कि वो बदरूह को ख़त्म करे और उसे करने के ज़राए, क्योंकि वो माली के बचपन में उस सानिया का सबब था और भगवान शिवा ने उसे बचाया। सांबिया के तौर पर माली का मुकाबला शैतान से होता है और इब्तिदा में उसे शिकस्त होती है, लेकिन वो भगवान शिवा से आशीर्वाद हासिल करने के लिए आसमान की तरफ जाता है और आखिरकार अंधा कसोर को भगवान शिवा के दिए गए त्रिशूल से छेद करके तबाह कर देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। फिल्म की शूटिंग 25 अप्रैल 2011 को शुरू हुई। फिल्म का पहला शेड्यूल स्विट्ज़रलैंड में था, जहां नागार्जुना अनुष्का शेट्टी के साथ राजू संद्रम की कोरियोग्राफी में रोमांस करेंगे। 29 सितंबर 2012 को इस समाजी ख्याली फिल्म का थ्रेटिकल ट्रेलर फिल्म रेबल के साथ रिलीज़ हुआ, जिसने उस दिन सिनेमा घरों की जीनत बनाई। प्रोड्यूसर डॉक्टर वेंकट के मुताबिक ट्रेलर को फिल्म देखने वालों का ज़बरदस्त रद्दअमल मिला। यह फिल्म 70 मिनट से ज़्यादा के खसूसी असरात के साथ अब तक की पहली तेलुगु फिल्म है। फायरफ्री क्रिएटिव स्टूडियोज़ में बसरी असरात के माहिरीन की एक टीम एक साल से ज़्यादा अरसे से फिल्म पर काम कर रही है। फायरफ्लाई वो कंपनी जिसने अंजनी अरुंधति मंगदेरा और अनागंगा ओदेरोडोक जैसी फिल्मों के लिए खसूसी असरात पर काम किया। वैष्णवी फिल्म ने बैरून मुल्क थिएटर के हकूक खरीदे थे। शिवा द सुपर हीरो 2 फिल्म को श्रीनिवासा रेड्डी ने डायरेक्ट किया था, जबकि यह श्रीनिवासा रेड्डी की ही स्क्रीन प्ले है। इस फिल्म की अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो आर वेंकट और के अच्छी रेड्डी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको नागार्जुना, अनुष्का शेट्टी, प्रकाश राज और पी रविशंकर मेन किरदार में नज़र आएंगे। इस फिल्म की अगर सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो छोटा के नायडू ने इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी का काम किया था, जबकि गौतम राजू ने इस फिल्म को एडिट किया था। इसके अलावा देवी श्री प्रसाद ने इस फिल्म के म्यूज़िक को कंपोज किया था। इस फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो आर मूवी मेकर्स के बैनर तले इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था। यह फिल्म 23 नवंबर 2012 को रिलीज़ हुई थी, जिसका रनिंग टाइम तकरीबन 157 मिनट है और इस फिल्म को उस वक्त सिर्फ तेलुगु जबान में रिलीज़ किया गया था। शिवा द सुपर हीरो 2 फिल्म को 35 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था, जबकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 18 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। इस फिल्म के अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 5.3 की रेटिंग मिली हुई है, जहां पर तकरीबन 677 लोगों ने इस फिल्म के लिए वोट किया है। शिवा द सुपर हीरो 2 2012 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन फैंटसी फिल्म है, जिसे श्रीनिवासा रेड्डी ने लिखा और हिदायतकारी की और आर वेंकट ने आर मूवी मेकर्स पर प्रोड्यूस किया। इसमें नागार्जुन, अनुक्षा शेट्टी, प्रकाश राज और पी रविशंकर ने अदाकारी की है। मौसीकी देवी श्री प्रसाद ने तरतीब दी है, जिसकी सिनेमेटोग्राफी छोटा के नायडो ने की है। ये फिल्म 2012 में रिलीज़ हुई और नागार्जुना की कारकर्दगी को सहराने वाले नाकदीन के मुसबत जायजों के लिए खोली गई। नायडो ने बेहतरीन सिनेमेटोग्राफर साउथ का फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। शिवा द सुपर हीरो 2 फिल्म में हम देखते हैं कि फिल्म का मरकजी किरदार भगवान शिवा के इलाही फजल से पैदा हुआ है और लड़के के वालदैन को मशवरा दिया जाता है कि वो इसका नाम मलेकरा जुन रखें, क्योंकि उसका मुकद्दर एक अजीम काम अंजाम देना है। अपने बचपन के दौरान मलकार्जुन को एक बड़े सानिये का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसके वालदैन और दादा दादी कासासी वापस आते ही एक बड़े पैंथर के हाथों मारे जाते हैं। इस वाक्य से उसकी छोटी बहन साइलो कमर से मफलूज होकर रह जाती है और इस वजह से वो लंगड़ी हो जाती है। साइलो इस वाक्य से पहले नाचने का हुनर रखता था। माली फिर भगवान शिवा के तई शदीद नफरत पैदा करता है। दरियासना मंदिर अंधा का सोरा नामी शैतान की तवज्जो की तरफ जाता है। हम उसे भगवान शिवा का वर्द हासिल करने के लिए सख्त तपस्या करते हुए देखते हैं।
भगवान शिवा ने शैतान को बरकत दी कि वो तीनों जहानों पर मुकम्मल हुक्मरानी हासिल करने के लिए एक कुंवारी लड़की को कुर्बान करने के बाद की कोशिश में मुदाखलत नहीं करेगा। शैतान को उसकी बूढ़ी सहेली माई ने मशवरा दिया कि कुर्बानी एक महीने में दो सूरज ग्रहण के साथ करनी चाहिए। इस तरह के इस लड़की से शादी करनी होगी और सूरज ग्रहण ख़त्म होने से पहले उसकी कुर्बानी करनी होगी। ये शैतान को बेमिसाल और पाँचवें अनासर पर मालिक बना देगा। इसके बाद कानी माली की तरफ मुंतकिल हो जाती है, जो अब एक बालिग है जिसका मकसद लोगों की मदद करना है और अपनी बिस्तर पर अपनी बहन की देखभाल करना है। उसे अस्पताल के दौरे पर डॉक्टर महेश्वरी से प्यार हो जाता है, जहां उसकी बहन का इलाज किया जा रहा है। ऐसे बहुत से मनाजिर हैं जहां मलहद माली अपने बचपन के सानिये की वजह से अपनी कॉलोनी के लोगों को, जिनमें रोदरकश, रंगू राजा, सदर और दीगर शामिल हैं, उनको पूजा ना करने पर मजबूर करता है। फिर एक दिन साइलो मरने ही वाली थी, जब माली जाता है। साइलो ने उसे बताया कि वो अपने नाकाबले बर्दाश्त दर्द की वजह से मरना चाहती है। इस मौके पर माली लॉर्ड शिवा से उसकी हालत के बारे में सवाल करता है और अपनी गाड़ी में चला जाता है। सिर्फ एक हादसे का सामना करना पड़ता है, लेकिन भगवान शिवा ने मुदाखलत की और उसे बचा लिया। भगवान शिवा अपने आप को सांबिया कहता है, माली से दोस्ती करता है और अपने घर चला जाता है। शैतान डॉक्टर महेश्वरी को कुर्बानी के लिए अपने हदफ के तौर पर चुनता है और सूरज ग्रहण के पहले दिन अगोरा जो मंदिर पहुँचते हैं उनको माही तक रसाई से रोकता है। माली ने माही को अघोरों से बचाया और माही के वालदैन माली को माही की देखभाल के लिए सौंप देते हैं। फिर माही के वालदैन माही की शादी एक रिश्तेदार राहुल से करने का फैसला करते हैं, जो अमेरिका से आने वाला है। ये मशवरा माही के ख़ानदान के जानने वाले एक साहिब ने दिया है। हवाई अड्डे पर पहुँचने पर अंधा कासोर ने राहुल को वाशरूम में मार डाला और उसकी लाश अपने पास रख ली। अंधा कासोर, जो अब राहुल की शक्ल में है, माही के घर में दाखिल होता है और माही की हिफाजत करने वाले तीन कुत्तों को मार डालता है। शैतान माही के वालिद को भी मफलूज कर देता है, जब उसे उसके बारे में सच्चाई मालूम होती है। वो एक मंदिर जाते हुए माली और माही को मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन भगवान शिवा ने अपनी अलाही गाड़ी नंदिनी को बेचकर मुदाखलत की, जो माली को बचाता है। इससे शैतान को गुस्सा आता है, जो महसूस करता है कि भगवान शिवा ने अपना वादा पूरा नहीं किया है। वो रब को चैलेंज करता है, जिसका वो जवाब देता है कि अपने अकीदतमंद की हिफाजत करना उसका फ़र्ज था। शैतान फिर लॉर्ड शिवा की मुखालफत करने का फ़ैसला करता है, इसलिए वो माही के ख़ानदान के नाम से मशहूर सन्नत को मार डालता है, उसकी नकल करता है और माली, माही और दीगर को कायल करता है कि सांबिया के हाथों उसकी मौत का झूठा दावा करके सांबिया अच्छा इंसान नहीं है। उससे माली को सांबिया पर गुस्सा आता है और वो सांबिया की तरफ से दी गई दोस्ती की अंगूठी वापस कर देता है। आखिरकार माली ने माही के ख़ानदान को राज़ी कर लिया कि राहुल अंधा का सोर है। फिर शैतान माही को कुर्बानी के मुकाम पर ले जाता है और रस्म की तैयारी करता है। माली को अगोरा के सरबराह ने भगवान की शिवा की पूजा करने का मशवरा दिया। वो माली को अपने जन्म के मकसद के बारे में बताता है कि वो बदरूह को ख़त्म करे और उसे करने के ज़राए, क्योंकि वो माली के बचपन में उस सानिया का सबब था और भगवान शिवा ने उसे बचाया। सांबिया के तौर पर माली का मुकाबला शैतान से होता है और इब्तिदा में उसे शिकस्त होती है, लेकिन वो भगवान शिवा से आशीर्वाद हासिल करने के लिए आसमान की तरफ जाता है और आखिरकार अंधा कसोर को भगवान शिवा के दिए गए त्रिशूल से छेद करके तबाह कर देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। फिल्म की शूटिंग 25 अप्रैल 2011 को शुरू हुई। फिल्म का पहला शेड्यूल स्विट्ज़रलैंड में था, जहाँ नागा रुजना अनुष्का शेट्टी के साथ राजू संद्रम की कोरियोग्राफी में रोमांस करेंगे। 29 सितंबर 2012 को इस समाजी ख्याली फिल्म का थ्रेटिकल ट्रेलर फिल्म रेबल के साथ रिलीज़ हुआ, जिसने उस दिन सिनेमा घरों की जीनत बनाई। प्रोड्यूसर डॉक्टर वेंकट के मुताबिक ट्रेलर को फिल्म देखने वालों का ज़बरदस्त रद्दअमल मिला। यह फिल्म 70 मिनट से ज़्यादा के खसूसी असरात के साथ अब तक की पहली तेलुगु फिल्म है। फायरफ्री क्रिएटिव स्टूडियोज़ में बसरी असरात के माहिरीन की एक टीम एक साल से ज़्यादा अरसे से फिल्म पर काम कर रही है। फायरफ्लाई वो कंपनी जिसने अंजनी, अरुंधनिथि, मंगदेरा और अनागंगा ओदेरोडोक जैसी फिल्मों के लिए खसूसी असरात पर काम किया। वैष्णवी फिल्म ने बैरून मुल्क के थिएटर के हकूक खरीदे थे। शिवा द सुपर हीरो 2 फिल्म को श्रीनिवासा रेड्डी ने डायरेक्ट किया था, जबकि ये श्रीनिवासा रेड्डी की ही स्क्रीन प्ले है। इस फिल्म की अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो आर वेंकट और के अची रेड्डी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको नागार्जुना,
अनुष्का शेट्टी, प्रकाश राज और पी रविशंकर मेन किरदार में नजर आएंगे। इस फिल्म की अगर सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो छोटा के नायडू ने इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी का काम किया था, जबकि गौतम राजू ने इस फिल्म को एडिट किया था। इसके अलावा देवी श्री प्रसाद ने इस फिल्म के म्यूज़िक को कंपोज किया था। इस फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो आरआर मूवी मेकर्स के बैनर तले इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था। यह फिल्म 23 नवंबर 2012 को रिलीज़ हुई थी, जिसका रनिंग टाइम तकरीबन 157 मिनट है और इस फिल्म को उस वक्त सिर्फ तेलुगु जबान में रिलीज़ किया गया था। शिवा द सुपर हीरो 2 फिल्म को 35 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था, जबकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 18 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। इस फिल्म के अगर आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को आईएमडीबी पर 10 में से 5.3 की रेटिंग मिली हुई है, जहां पर तकरीबन 677 लोगों ने इस फिल्म के लिए वोट किया है। शिवा द सुपर हीरो 2 2012 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन फैंटसी फिल्म है, जिसे श्रीनिवासा रेड्डी ने लिखा और हिदायतकारी की और आरआर वेंकट ने आरआर मूवी मेकर्स पर प्रोड्यूस किया। इसमें नागार्जुन, अनुक्षा शेट्टी, प्रकाश राज और पी रविशंकर ने अदाकारी की है। मौसीकी देवी श्री प्रसाद ने तरतीब दी है, जिसकी सिनेमेटोग्राफी छोटा के नायडू ने की है। ये फिल्म 2012 में रिलीज़ हुई और नागार्जुन की कारकर्दगी को सराहने वाले नाकदीन के मुस्बत जायजों के लिए खोली गई। नायडू ने बेहतरीन सिनेमेटोग्राफर साउथ का फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। शिवा द सुपर हीरो 2 फिल्म में हम देखते हैं कि फिल्म का मरकजी किरदार भगवान शिवा के इलाही फजल से पैदा हुआ है और लड़के के वालदैन को मशवरा दिया जाता है कि वो इसका नाम मलेकराजुन रखें, क्योंकि उसका मुकद्दर एक अजीम काम अंजाम देना है। अपने बचपन के दौरान मलकार्जुन को एक बड़े साने का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसके वालदैन और दादा दादी कासासी वापस आते ही एक बड़े पैंथर के हाथों मारे जाते हैं। इस वाक्य से उसकी छोटी बहन साइलो कमर से मफलूज होकर रह जाती है और इस वजह से वो लंगड़ी हो जाती है। साइलो इस वाक्य से पहले नाचने का हुनर रखता था। माली फिर भगवान शिवा के तई शदीद नफरत पैदा करता है। दरियासना मंदिर अंधा का सोरा नामी शैतान की तवज्जो की तरफ जाता है। हम उसे भगवान शिवा का वर्द हासिल करने के लिए सख्त तपस्या करते हुए देखते हैं। भगवान शिवा ने शैतान को बरकत दी कि वो तीनों जहानों पर मुकम्मल हुक्मरानी हासिल करने के लिए एक कुंवारी लड़की को कुर्बान करने के बाद की कोशिश में मुदाखलत नहीं करेगा। शैतान को उसकी बूढ़ी सहेली माई ने मशवरा दिया कि कुर्बानी एक महीने में दो सूरज ग्रहण के साथ करनी चाहिए। इस तरह के इस लड़की से शादी करनी होगी और सूरज ग्रहण ख़त्म होने से पहले उसकी कुर्बानी करनी होगी। ये शैतान को बेमिसाल और पाँचवें अनासर पर मालिक बना देगा। इसके बाद कानी माली की तरफ मुंतकिल हो जाती है, जो अब एक बालिग है जिसका मकसद लोगों की मदद करना है और अपनी बिस्तर पर अपनी बहन की देखभाल करना है। उसे अस्पताल के दौरे पर डॉक्टर महेश्वरी से प्यार हो जाता है, जहां उसकी बहन का इलाज किया जा रहा है। ऐसे बहुत से मनाजिर हैं जहां मलहद माली अपने बचपन के सानिये की वजह से अपनी कॉलोनी के लोगों को, जिनमें रोदरकश, रंगू राजा, सदर और दीगर शामिल हैं, उनको पूजा ना करने पर मजबूर करता है। फिर एक दिन साइलो मरने ही वाली थी, जब माली जाता है। साइलो ने उसे बताया कि वो अपने नाकाबले बर्दाश्त दर्द की वजह से मरना चाहती है। इस मौके पर माली लॉर्ड शिवा से उसकी हालत के बारे में सवाल करता है और अपनी गाड़ी में चला जाता है। सिर्फ एक हादसे का सामना करना पड़ता है, लेकिन भगवान शिवा ने मुदाखलत की और उसे बचा लिया। भगवान शिवा अपने आप को सांबिया कहता है, माली से दोस्ती करता है और अपने घर चला जाता है। शैतान डॉक्टर महेश्वरी को कुर्बानी के लिए अपने हदफ के तौर पर चुनता है और सूरज ग्रहण के पहले दिन अगोरा जो मंदिर पहुँचते हैं उनको माही तक रसाई से रोकता है। माली ने माही को अघोरों से बचाया और माही के वालदैन माली को माही की देखभाल के लिए सौंप देते हैं। फिर माही के वालदैन माही की शादी एक रिश्तेदार राहुल से करने का फैसला करते हैं, जो अमेरिका से आने वाला है। ये मशवरा माही के ख़ानदान के जानने वाले एक साहिब ने दिया है। हवाई अड्डे पर पहुँचने पर अंधा कासोर ने राहुल को वाशरूम में मार डाला और उसकी लाश अपने पास रख ली। अंधा कासोर, जो अब राहुल की शक्ल में है, माही के घर में दाखिल होता है और माही की हिफाजत करने वाले तीन कुत्तों को मार डालता है। शैतान माही के वालिद को भी मफलूज कर देता है, जब उसे उसके बारे में सच्चाई मालूम होती है। वो एक मंदिर जाते हुए माली और माही को मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन भगवान शिवा ने अपनी अलाही गाड़ी नंदिनी को बेचकर मुदाखलत की, जो माली को बचाता है। इससे शैतान को गुस्सा आता है, जो महसूस करता है कि भगवान शिवा ने अपना वादा पूरा नहीं किया है।
वो रब को चैलेंज करता है, जिसका वो जवाब देता है कि अपने अकीदे अकीदतमंद की हिफाजत करना उसका फ़र्ज था। शैतान फिर लॉर्ड शिवा की मुखालफत करने का फ़ैसला करता है, इसलिए वो माही के ख़ानदान के नाम से मशहूर सन्नत को मार डालता है, उसकी नकल करता है और माली माही और दीगर को कायल करता है कि सांबिया के हाथों उसकी मौत का झूठा दावा करके सांबिया अच्छा इंसान नहीं है। उससे माली को सांबिया पर गुस्सा आता है और वो सांबिया की तरफ से दी गई दोस्ती की अंगूठी वापस कर देता है। आखिरकार माली ने माही के ख़ानदान को राज़ी कर लिया कि राहुल अंधा का शोर है। फिर शैतान माही को कुर्बानी के मुकाम पर ले जाता है और रस्म की तैयारी करता है। माली को अगोरा के सरबराह ने भगवान की शिवा की पूजा करने का मशवरा दिया। वो माली को अपने जन्म के मकसद के बारे में बताता है कि वो बदरूह को ख़त्म करे और उसे करने के ज़राए, क्योंकि वो माली के बचपन में उस सानिया का सबब था और भगवान शिवा ने उसे बचाया। सांबिया के तौर पर माली का मुकाबला शैतान से होता है और इब्तिदा में उसे शिकस्त होती है, लेकिन वो भगवान शिवा से आशीर्वाद हासिल करने के लिए आसमान की तरफ जाता है और आखिरकार अंधा कसोर को भगवान शिवा के दिए गए त्रिशूल से छेद करके तबाह कर देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। फिल्म की शूटिंग 25 अप्रैल 2011 को शुरू हुई। फिल्म का पहला शेड्यूल स्विट्ज़रलैंड में था, जहाँ नागार्जुना अनुष्का शेट्टी के साथ राजू संद्रम की कोरियोग्राफी में रोमांस करेंगे। 29 सितंबर 2012 को इस समाजी ख्याली फिल्म का थ्रेटिकल ट्रेलर फिल्म रेबल के साथ रिलीज़ हुआ, जिसने उस दिन सिनेमा घरों की जीनत बनाई। प्रोड्यूसर डॉक्टर वेंकट के मुताबिक ट्रेलर को फिल्म देखने वालों का ज़बरदस्त रद्दअमल मिला। यह फिल्म 70 मिनट से ज़्यादा के खसूसी असरात के साथ अब तक की पहली तेलुगु फिल्म है। फायरफ्री क्रिएटिव स्टूडियोज़ में बसरी असरात के माहिरीन की एक टीम एक साल से ज़्यादा अरसे से फिल्म पर काम कर रही है। फायरफ्लाई वो कंपनी जिसने अंजनी अरुंधति मंगदेरा और अनागंगा ओदेरोडोक जैसी फिल्मों के लिए खसूसी असरात पर काम किया। वैष्णवी फिल्म ने बैरून मुल्क थिएटर के हकूक खरीदे थे। शिवा द सुपर हीरो 2 फिल्म को श्रीनिवासा रेड्डी ने डायरेक्ट किया था, जबकि ये श्रीनिवासा रेड्डी की ही स्क्रीन प्ले है। इस फिल्म की अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो आर वेंकट और के अची रेड्डी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको नागार्जुना, अनुष्का शेट्टी, प्रकाश राज और पी रविशंकर मेन किरदार में नज़र आएंगे। इस फिल्म की अगर सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो छोटा के नायडू ने इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी का काम किया था, जबकि गौतम राजू ने इस फिल्म को एडिट किया था। इसके अलावा देवी श्री प्रसाद ने इस फिल्म के म्यूज़िक को कंपोज़ किया था। इस फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो आर मूवी मेकर्स के बैनर तले इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था। यह फिल्म 23 नवंबर 2012 को रिलीज़ हुई थी, जिसका रनिंग टाइम तकरीबन 157 मिनट है और इस फिल्म को उस वक्त सिर्फ तेलुगु जबान में रिलीज़ किया गया था। शिवा द सुपर हीरो 2 फिल्म को 35 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था, जबकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 18 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। इस फिल्म के अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 5.3 की रेटिंग मिली हुई है, जहाँ पर तकरीबन 677 लोगों ने इस फिल्म के लिए वोट किया है। शिवा द सुपर हीरो 2 2012 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन फैंटसी फिल्म है, जिसे श्रीनिवासा रेड्डी ने लिखा और हदायतकारी की और आर वेंकट ने आर मूवी मेकर्स पर प्रोड्यूस किया। इसमें नागार्जुन, अनुक्षा शेट्टी, प्रकाश राज और पी रविशंकर ने अदाकारी की है। मौसीकी देवी श्री प्रसाद ने तरतीब दी है, जिसकी सिनेमेटोग्राफी छोटा के नायडू ने की है। ये फिल्म 2012 में रिलीज़ हुई और नागार्जुना की कारकर्दगी को सहराने वाले नाकदीन के मुसबत जायजों के लिए खोली गई। नायडू ने बेहतरीन सिनेमेटोग्राफर साउथ का फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। शिवा द सुपर हीरो 2 फिल्म में हम देखते हैं कि फिल्म का मरकजी किरदार भगवान शिवा के इलाही फजल से पैदा हुआ है और लड़के के वालदैन को मशवरा दिया जाता है कि वो इसका नाम मलेकरा जुन रखें, क्योंकि उसका मुकद्दर एक अजीम काम अंजाम देना है। अपने बचपन के दौरान मलकार्जुन को एक बड़े सानिये का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसके वालदैन और दादा दादी कासासी वापस आते ही एक बड़े पैंथर के हाथों मारे जाते हैं। इस वाक्य से उसकी छोटी बहन साइलो कमर से मफलूज होकर रह जाती है और इस वजह से वो लंगड़ी हो जाती है। साइलो इस वाक्य से पहले नाचने का हुनर रखता था। माली फिर भगवान शिवा के तई शदीद नफरत पैदा करता है। दरियासना मंदिर अंधा का सोरा नामी शैतान की तवज्जो की तरफ जाता है। हम उसे भगवान शिवा का वर्द हासिल करने के लिए सख्त तपस्या करते हुए देखते हैं। भगवान शिवा ने शैतान को बरकत दी कि वो तीनों जहानों पर मुकम्मल हुक्मरानी हासिल करने के लिए
एक कुंवारी लड़की को कुर्बान करने के बाद की कोशिश में मुदाखलत नहीं करेगा। शैतान को उसकी बड़ी सहेली माई ने मशवरा दिया कि कुर्बानी एक महीने में दो सूरज ग्रहण के साथ करनी चाहिए। इस तरह के इस लड़की से शादी करनी होगी और सूरज ग्रहण ख़त्म होने से पहले उसकी कुर्बानी करनी होगी। ये शैतान को बेमिसाल और पाँचवें अनासर पर मालिक बना देगा। इसके बाद कानी माली की तरफ मुंतकिल हो जाती है, जो अब एक बालिग है जिसका मकसद लोगों की मदद करना है और अपनी बिस्तर पर बहन की देखभाल करना है। उसे अस्पताल के दौरे पर डॉक्टर महेश्वरी से प्यार हो जाता है, जहां उसकी बहन का इलाज किया जा रहा है। ऐसे बहुत से मनाजिर हैं जहां मलहद माली अपने बचपन के सानिये की वजह से अपनी कॉलोनी के लोगों को, जिनमें रोदरकश, रंगू राजा, सदर और दीगर शामिल हैं, उनको पूजा ना करने पर मजबूर करता है। फिर एक दिन साइलो मरने ही वाली थी जब माली जाता है। साइलो ने उसे बताया कि वो अपने नाकाबले बर्दाश्त दर्द की वजह से मरना चाहती है। इस मौके पर माली लॉर्ड शिवा से उसकी हालत के बारे में सवाल करता है और अपनी गाड़ी में चला जाता है। सिर्फ एक हादसे का सामना करना पड़ता है, लेकिन भगवान शिवा ने मुदाखलत की और उसे बचा लिया। भगवान शिवा अपने आप को सांबिया कहता है, माली से दोस्ती करता है और अपने घर चला जाता है। शैतान डॉक्टर महेश्वरी को कुर्बानी के लिए अपने हदफ के तौर पर चुनता है और सूरज ग्रहण के पहले दिन अगोरा जो मंदिर पहुँचते हैं उनको माही तक रसाई से रोकता है। माली ने माही को अघोरों से बचाया और माही के वालदैन माली को माही की देखभाल के लिए सौंप देते हैं। फिर माही के वालदैन माही की शादी एक रिश्तेदार राहुल से करने का फैसला करते हैं, जो अमेरिका से आने वाला है। ये मशवरा माही के ख़ानदान के जानने वाले एक साहिब ने दिया है। हवाई अड्डे पर पहुँचने पर अंधा कासोर ने राहुल को वाशरूम में मार डाला और उसकी लाश अपने पास रख ली। अंधा कासोर, जो अब राहुल की शक्ल में है, माही के घर में दाखिल होता है और माही की हिफाजत करने वाले तीन कुत्तों को मार डालता है। शैतान माही के वालिद को भी मफलूज कर देता है जब उसे उसके बारे में सच्चाई मालूम होती है। वो एक मंदिर जाते हुए माली और माही को मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन भगवान शिवा ने अपनी अलाही गाड़ी नंदिनी को बेचकर मुदाखलत की, जो माली को बचाता है। इससे शैतान को गुस्सा आता है, जो महसूस करता है कि भगवान शिवा ने अपना वादा पूरा नहीं किया है। वो रब को चैलेंज करता है, जिसका वो जवाब देता है कि अपने अकीदतमंद की हिफाजत करना उसका फ़र्ज था। शैतान फिर लॉर्ड शिवा की मुखालफत करने का फ़ैसला करता है, इसलिए वो माही के ख़ानदान के नाम से मशहूर सन्नत को मार डालता है, उसकी नकल करता है और माली, माही और दीगर को कायल करता है कि सांबिया के हाथों उसकी मौत का झूठा दावा करके सांबिया अच्छा इंसान नहीं है। उससे माली को सांबिया पर गुस्सा आता है और वो सांबिया की तरफ से दी गई दोस्ती की अंगूठी वापस कर देता है। आखिरकार माली ने माही के ख़ानदान को राज़ी कर लिया कि राहुल अंधा का सोर है। फिर शैतान माही को कुर्बानी के मुकाम पर ले जाता है और रस्म की तैयारी करता है। माली को अगोरा के सरबराह ने भगवान की शिवा की पूजा करने का मशवरा दिया। वो माली को अपने जन्म के मकसद के बारे में बताता है कि वो बदरूह को ख़त्म करे और उसे करने के ज़राए, क्योंकि वो माली के बचपन में उस सानिया का सबब था और भगवान शिवा ने उसे बचाया। सांबिया के तौर पर माली का मुकाबला शैतान से होता है और इब्तिदा में उसे शिकस्त होती है, लेकिन वो भगवान शिवा से आशीर्वाद हासिल करने के लिए आसमान की तरफ जाता है और आखिरकार अंधा कसोर को भगवान शिवा के दिए गए त्रिशूल से छेद करके तबाह कर देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। फिल्म की शूटिंग 25 अप्रैल 2011 को शुरू हुई। फिल्म का पहला शेड्यूल स्विट्ज़रलैंड में था, जहाँ नागार्जुना अनुष्का शेट्टी के साथ राजू संद्रम की कोरियोग्राफी में रोमांस करेंगे। 29 सितंबर 2012 को इस समाजी ख्याली फिल्म का थ्रेटिकल ट्रेलर फिल्म रेबल के साथ रिलीज़ हुआ, जिसने उस दिन सिनेमा घरों की जीनत बनाई। प्रोड्यूसर डॉक्टर वेंकट के मुताबिक ट्रेलर को फिल्म देखने वालों का ज़बरदस्त रद्दअमल मिला। यह फिल्म 70 मिनट से ज़्यादा के खसूसी असरात के साथ अब तक की पहली तेलुगु फिल्म है। फायरफ्री क्रिएटिव स्टूडियोज़ में बसरी असरात के माहिरीन की एक टीम एक साल से ज़्यादा अरसे से फिल्म पर काम कर रही है। फायरफ्लाई वो कंपनी जिसने अंजनी, अरुंधति मंगदेरा और अनागंगा ओदेरोडोक जैसी फिल्मों के लिए खसूसी असरात पर काम किया। वैष्णवी फिल्म ने बैरून मुल्क के थिएटर के हकूक खरीदे थे। शिवा द सुपर हीरो 2 फिल्म को श्रीनिवासा रेड्डी ने डायरेक्ट किया था, जबकि ये श्रीनिवासा रेड्डी की ही स्क्रीन प्ले है। इस फिल्म की अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो आर वेंकट और के अच्छी रेड्डी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको नागार्जुना, अनुष्का शेट्टी, प्रकाश राज और पी रविशंकर मेन किरदार में नजर आएंगे।
इस फिल्म की अगर सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो छोटा के नायडू ने इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी का काम किया था, जबकि गौतम राजू ने इस फिल्म को एडिट किया था। इसके अलावा देवी श्री प्रसाद ने इस फिल्म के म्यूज़िक को कंपोज किया था। इस फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो RR मूवी मेकर्स के बैनर तले इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था। यह फिल्म 23 नवंबर 2012 को रिलीज़ हुई थी, जिसका रनिंग टाइम तकरीबन 157 मिनट है और इस फिल्म को उस वक्त सिर्फ तेलुगु जबान में रिलीज़ किया गया था। शिवा द सुपर हीरो 2 फिल्म को 35 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था, जबकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 18 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। इस फिल्म के अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 5.3 की रेटिंग मिली हुई है, जहां पर तकरीबन 677 लोगों ने इस फिल्म के लिए वोट किया है। शिवा द सुपर हीरो 2 2012 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन फैंटसी फिल्म है, जिसे श्रीनिवासा रेड्डी ने लिखा और हदायतकारी की और RR वेंकट ने RR मूवी मेकर्स पर प्रोड्यूस किया। इसमें नागार्जुन, अनुक्षा शेट्टी, प्रकाश राज और पी रविशंकर ने अदाकारी की है। मौसीकी देवी श्री प्रसाद ने तरतीब दी है, जिसकी सिनेमेटोग्राफी छोटा के नायडू ने की है। ये फिल्म 2012 में रिलीज़ हुई और नागार्जुन की कारकर्दी को सहराने वाले नाकदीन के मुस्बत जायजों के लिए खोली गई। नायडू ने बेहतरीन सिनेमेटोग्राफर साउथ का फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। शिवा द सुपर हीरो 2 फिल्म में हम देखते हैं कि फिल्म का मरकजी किरदार भगवान शिवा के इलाही फजल से पैदा हुआ है और लड़के के वालदैन को मशवरा दिया जाता है कि वो इसका नाम मलेकराजुन रखें, क्योंकि उसका मुकद्दर एक अजीम काम अंजाम देना है। अपने बचपन के दौरान मलकार्जुन को एक बड़े सानिये का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसके वालदैन और दादा दादी कासासी वापस आते ही एक बड़े पैंथर के हाथों मारे जाते हैं। इस वाक्य से उसकी छोटी बहन साइलो कमर से मफलूज होकर रह जाती है और इस वजह से वो लंगड़ी हो जाती है। साइलो इस वाक्य से पहले नाचने का हुनर रखता था। माली फिर भगवान शिवा के तई शदीद नफरत पैदा करता है। दरियासना मंदिर अंधा का सोरा नामी शैतान की तवज्जो की तरफ जाता है। हम उसे भगवान शिवा का वर्द हासिल करने के लिए सख्त तपस्या करते हुए देखते हैं। भगवान शिवा ने शैतान को बरकत दी कि वो तीनों जहानों पर मुकम्मल हुक्मरानी हासिल करने के लिए एक कुंवारी लड़की को कुर्बान करने के बाद की कोशिश में मुदाखलत नहीं करेगा। शैतान को उसकी बूढ़ी सहेली माई ने मशवरा दिया कि कुर्बानी एक महीने में 2 सूरज ग्रहण के साथ करनी चाहिए। इस तरह के इस लड़की से शादी करनी होगी और सूरज ग्रहण ख़त्म होने से पहले उसकी कुर्बानी करनी होगी। ये शैतान को बेमिसाल और 5वें अनासिर पर मालिक बना देगा। इसके बाद कानी माली की तरफ मुंतकिल हो जाती है, जो अब एक बालिग है जिसका मकसद लोगों की मदद करना है और अपनी बिस्तर पर अपनी बहन की देखभाल करना है। उसे अस्पताल के दौरे पर डॉक्टर महेश्वरी से प्यार हो जाता है, जहां उसकी बहन का इलाज किया जा रहा है। ऐसे बहुत से मनाजिर हैं जहां मलहद माली अपने बचपन के सानिये की वजह से अपनी कॉलोनी के लोगों को, जिनमें रोदरकश, रंगू राजा, सदर और दीगर शामिल हैं, उनको पूजा ना करने पर मजबूर करता है। फिर एक दिन साइलो मरने ही वाली थी, जब माली जाता है। साइलो ने उसे बताया कि वो अपने नाकाबले बर्दाश्त दर्द की वजह से मरना चाहती है। इस मौके पर माली लॉर्ड शिवा से उसकी हालत के बारे में सवाल करता है और अपनी गाड़ी में चला जाता है। सिर्फ एक हादसे का सामना करना पड़ता है, लेकिन भगवान शिवा ने मुदाखलत की और उसे बचा लिया। भगवान शिवा अपने आप को सांबिया कहता है, माली से दोस्ती करता है और अपने घर चला जाता है। शैतान डॉक्टर महेश्वरी को कुर्बानी के लिए अपने हदफ के तौर पर चुनता है और सूरज ग्रहण के पहले दिन अगोरा जो मंदिर पहुँचते हैं उनको माही तक रसाई से रोकता है। माली ने माही को अघोरों से बचाया और माही के वालदैन माली को माही की देखभाल के लिए सौंप देते हैं। फिर माही के वालदैन माही की शादी एक रिश्तेदार राहुल से करने का फैसला करते हैं, जो अमेरिका से आने वाला है। ये मशवरा माही के ख़ानदान के जानने वाले एक साहिब ने दिया है। हवाई अड्डे पर पहुँचने पर अंधा कासोर ने राहुल को वाशरूम में मार डाला और उसकी लाश अपने पास रख ली। अंधा कासोर, जो अब राहुल की शक्ल में है, माही के घर में दाखिल होता है और माही की हिफाजत करने वाले 3 कुत्तों को मार डालता है। शैतान माही के वालिद को भी मफलूज कर देता है, जब उसे उसके बारे में सच्चाई मालूम होती है। वो एक मंदिर जाते हुए माली और माही को मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन भगवान शिवा ने अपनी अलाही गाड़ी नंदिनी को बेचकर मुदाखलत की, जो माली को बचाता है। इससे शैतान को गुस्सा आता है, जो महसूस करता है कि भगवान शिवा ने अपना वादा पूरा नहीं किया है। वो रब को चैलेंज करता है, जिसका वो जवाब देता है कि अपने अकीदे अकीदतमंद की हिफाजत करना उसका फ़र्ज था।
शैतान फिर लॉर्ड शिवा की मुखालफत करने का फ़ैसला करता है, इसलिए वो माही के ख़ानदान के नाम से मशहूर सन्नत को मार डालता है, उसकी नकल करता है और माली माही और दीगर को कायल करता है कि सांबिया के हाथों उसकी मौत का झूठा दावा करके सांबिया अच्छा इंसान नहीं है। उससे माली को सांबिया पर गुस्सा आता है और वो सांबिया की तरफ से दी गई दोस्ती की अंगूठी वापस कर देता है। आखिरकार माली ने माही के ख़ानदान को राज़ी कर लिया कि राहुल अंधा का शोर है। फिर शैतान माही को कुर्बानी के मुकाम पर ले जाता है और रस्म की तैयारी करता है। माली को अगोरा के सरबराह ने भगवान की शिवा की पूजा करने का मशवरा दिया। वो माली को अपने जन्म के मकसद के बारे में बताता है कि वो बदरूह को ख़त्म करे और उसे करने के ज़राए, क्योंकि वो माली के बचपन में उस सानिया का सबब था और भगवान शिवा ने उसे बचाया। सांबिया के तौर पर माली का मुकाबला शैतान से होता है और इब्तिदा में उसे शिकस्त होती है, लेकिन वो भगवान शिवा से आशीर्वाद हासिल करने के लिए आसमान की तरफ जाता है और आखिरकार अंधा कसोर को भगवान शिवा के दिए गए त्रिशूल से छेद करके तबाह कर देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। फिल्म की शूटिंग 25 अप्रैल 2011 को शुरू हुई। फिल्म का पहला शेड्यूल स्विट्ज़रलैंड में था, जहां नागार्जुना अनुष्का शेट्टी के साथ राजू संद्रम की कोरियोग्राफी में रोमांस करेंगे। 29 सितंबर 2012 को इस समाजी ख्याली फिल्म का थ्रेटिकल ट्रेलर फिल्म रेबल के साथ रिलीज़ हुआ, जिसने उस दिन सिनेमा घरों की जीनत बनाई। प्रोड्यूसर डॉक्टर वेंकट के मुताबिक ट्रेलर को फिल्म देखने वालों का ज़बरदस्त रद्दअमल मिला। यह फिल्म 70 मिनट से ज़्यादा के खसूसी असरात के साथ अब तक की पहली तेलुगु फिल्म है। फायरफ्री क्रिएटिव स्टूडियोज़ में बसरी असरात के माहिरीन की एक टीम एक साल से ज़्यादा अरसे से फिल्म पर काम कर रही है। फायरफ्लाई वो कंपनी जिसने अंजनी अरुंधति मंगदेरा और अनागंगा ओदेरोडोक जैसी फिल्मों के लिए खसूसी असरात पर काम किया। वैष्णवी फिल्म ने बैरून मुल्क थिएटर के हकूक खरीदे थे। शिवा द सुपर हीरो 2 फिल्म को श्रीनिवासा रेड्डी ने डायरेक्ट किया था, जबकि यह श्रीनिवासा रेड्डी की ही स्क्रीन प्ले है। इस फिल्म की अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो आर वेंकट और के अच्छी रेड्डी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको नागार्जुना, अनुष्का शेट्टी, प्रकाश राज और पी रविशंकर मेन किरदार में नज़र आएंगे। इस फिल्म की अगर सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो छोटा के नायडू ने इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी का काम किया था, जबकि गौतम राजू ने इस फिल्म को एडिट किया था। इसके अलावा देवी श्री प्रसाद ने इस फिल्म के म्यूज़िक को कंपोज किया था। इस फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो आर मूवी मेकर्स के बैनर तले इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था। यह फिल्म 23 नवंबर 2012 को रिलीज़ हुई थी, जिसका रनिंग टाइम तकरीबन 157 मिनट है और इस फिल्म को उस वक्त सिर्फ तेलुगु जबान में रिलीज़ किया गया था। शिवा द सुपर हीरो 2 फिल्म को 35 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था, जबकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 18 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। इस फिल्म के अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 5.3 की रेटिंग मिली हुई है, जहां पर तकरीबन 677 लोगों ने इस फिल्म के लिए वोट किया है। शिवा द सुपर हीरो 2 2012 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन फैंटसी फिल्म है, जिसे श्रीनिवासा रेड्डी ने लिखा और हदायतकारी की और आर वेंकट ने आर मूवी मेकर्स पर प्रोड्यूस किया। इसमें नागार्जुन, अनुक्षा शेट्टी, प्रकाश राज और पी रविशंकर ने अदाकारी की है। मौसीकी देवी श्री प्रसाद ने तरतीब दी है, जिसकी सिनेमेटोग्राफी छोटा के नायडो ने की है। ये फिल्म 2012 में रिलीज़ हुई और नागार्जुना की कारकर्दगी को सहराने वाले नाकदीन के मुसबत जायजों के लिए खोली गई। नायडो ने बेहतरीन सिनेमेटोग्राफर साउथ का फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। शिवा द सुपर हीरो 2 फिल्म में हम देखते हैं कि फिल्म का मरकजी किरदार भगवान शिवा के इलाही फजल से पैदा हुआ है और लड़के के वालदैन को मशवरा दिया जाता है कि वो इसका नाम मलेकरा जुन रखें, क्योंकि उसका मुकद्दर एक अजीम काम अंजाम देना है। अपने बचपन के दौरान मलकार्जुन को एक बड़े सानिये का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसके वालदैन और दादा दादी कासासी वापस आते ही एक बड़े पैंथर के हाथों मारे जाते हैं। इस वाक्य से उसकी छोटी बहन साइलो कमर से मफलूज होकर रह जाती है और इस वजह से वो लंगड़ी हो जाती है। साइलो इस वाक्य से पहले नाचने का हुनर रखता था। माली फिर भगवान शिवा के तई शदीद नफरत पैदा करता है। दरियासना मंदिर अंधा का सोरा नामी शैतान की तवज्जो की तरफ जाता है। हम उसे भगवान शिवा का वर्द हासिल करने के लिए सख्त तपस्या करते हुए देखते हैं। भगवान शिवा ने शैतान को बरकत दी कि वो तीनों जहानों पर मुकम्मल हुक्मरानी हासिल करने के लिए एक कुंवारी लड़की को कुर्बान करने के बाद की कोशिश में मुदाखलत नहीं करेगा।
शैतान को उसकी बड़ी सहेली माई ने मशवरा दिया कि कुर्बानी एक महीने में दो सूरज ग्रहण के साथ करनी चाहिए। इस तरह के इस लड़की से शादी करनी होगी और सूरज ग्रहण ख़त्म होने से पहले उसकी कुर्बानी करनी होगी। ये शैतान को बेमिसाल और पाँचवें अनासर पर मालिक बना देगा। इसके बाद कानी माली की तरफ मुंतकिल हो जाती है, जो अब एक बालिग है जिसका मकसद लोगों की मदद करना है और अपनी बिस्तर पर बहन की देखभाल करना है। उसे अस्पताल के दौरे पर डॉक्टर महेश्वरी से प्यार हो जाता है, जहां उसकी बहन का इलाज किया जा रहा है। ऐसे बहुत से मनाजिर हैं जहां मलहद माली अपने बचपन के सानिये की वजह से अपनी कॉलोनी के लोगों को, जिनमें रोदरकश, रंगू राजा, सदर और दीगर शामिल हैं, उनको पूजा ना करने पर मजबूर करता है। फिर एक दिन साइलो मरने ही वाली थी, जब माली जाता है। साइलो ने उसे बताया कि वो अपने नाकाबले बर्दाश्त दर्द की वजह से मरना चाहती है। इस मौके पर माली लॉर्ड शिवा से उसकी हालत के बारे में सवाल करता है और अपनी गाड़ी में चला जाता है। सिर्फ एक हादसे का सामना करना पड़ता है, लेकिन भगवान शिवा ने मुदाखलत की और उसे बचा लिया। भगवान शिवा अपने आप को सांबिया कहता है, माली से दोस्ती करता है और अपने घर चला जाता है। शैतान डॉक्टर महेश्वरी को कुर्बानी के लिए अपने हदफ के तौर पर चुनता है और सूरज ग्रहण के पहले दिन अगोरा जो मंदिर पहुँचते हैं उनको माही तक रसाई से रोकता है। माली ने माही को अघोरों से बचाया और माही के वालदैन माली को माही की देखभाल के लिए सौंप देते हैं। फिर माही के वालदैन माही की शादी एक रिश्तेदार राहुल से करने का फ़ैसला करते हैं, जो अमेरिका से आने वाला है। ये मशवरा माही के ख़ानदान के जानने वाले एक साहिब ने दिया है। हवाई अड्डे पर पहुँचने पर अंधा कासोर ने राहुल को वाशरूम में उसे मार डाला और उसकी लाश अपने पास रख ली। अंधा कासोर, जो अब राहुल की शक्ल में है, माही के घर में दाखिल होता है और माही की हिफाजत करने वाले तीन कुत्तों को मार डालता है। शैतान माही के वालिद को भी मफलूज कर देता है, जब उसे उसके बारे में सच्चाई मालूम होती है। वो एक मंदिर जाते हुए माली और माही को मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन भगवान शिवा ने अपनी अलाही गाड़ी नंदिनी को भेज कर मुदाखलत की, जो माली को बचाता है। इससे शैतान को गुस्सा आता है, जो महसूस करता है कि भगवान शिवा ने अपना वादा पूरा नहीं किया है। वो रब को चैलेंज करता है, जिसका वो जवाब देता है कि अपने अकीदतमंद की हिफाजत करना उसका फ़र्ज था। शैतान फिर लॉर्ड शिवा की मुखालफत करने का फ़ैसला करता है, इसलिए वो माही के ख़ानदान के नाम से मशहूर सन्नत को मार डालता है, उसकी नकल करता है और माली, माही और दीगर को कायल करता है कि सांबिया के हाथों उसकी मौत का झूठा दावा करके सांबिया अच्छा इंसान नहीं है। उससे माली को सांबिया पर गुस्सा आता है और वो सांबिया की तरफ से दी गई दोस्ती की अंगूठी वापस कर देता है। आखिरकार माली ने माही के ख़ानदान को राज़ी कर लिया कि राहुल अंधा का सोर है। फिर शैतान माही को कुर्बानी के मुकाम पर ले जाता है और रस्म की तैयारी करता है। माली को अगोरा के सरबराह ने भगवान की शिवा की पूजा करने का मशवरा दिया। वो माली को अपने जन्म के मकसद के बारे में बताता है कि वो बदरूह को ख़त्म करे और उसे करने के ज़राए, क्योंकि वो माली के बचपन में उस सानिया का सबब था और भगवान शिवा ने उसे बचाया। सांबिया के तौर पर माली का मुकाबला शैतान से होता है और इब्तिदा में उसे शिकस्त होती है, लेकिन वो भगवान शिवा से आशीर्वाद हासिल करने के लिए आसमान की तरफ जाता है और आखिरकार अंधा कसोर को भगवान शिवा के दिए गए त्रिशूल से छेद करके तबाह कर देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। फिल्म की शूटिंग 25 अप्रैल 2011 को शुरू हुई। फिल्म का पहला शेड्यूल स्विट्ज़रलैंड में था, जहां नागा रुजना अनुष्का शेट्टी के साथ राजू संद्रम की कोरियोग्राफी में रोमांस करेंगे। 29 सितंबर 2012 को इस समाजी ख्याली फिल्म का थ्रेटिकल ट्रेलर फिल्म रेबल के साथ रिलीज़ हुआ, जिसने उस दिन सिनेमा घरों की जीनत बनाई। प्रोड्यूसर डॉक्टर वेंकट के मुताबिक ट्रेलर को फिल्म देखने वालों का ज़बरदस्त रद्दअमल मिला। यह फिल्म 70 मिनट से ज़्यादा के खसूसी असरात के साथ अब तक की पहली तेलुगु फिल्म है। फायरफ्री क्रिएटिव स्टूडियोज़ में बसरी असरात के माहिरीन की एक टीम एक साल से ज़्यादा अरसे से फिल्म पर काम कर रही है। फायरफ्लाई वो कंपनी जिसने अंजनी, अरुंधनिथि, मंगदेरा और अनागंगा ओदेरोडोक जैसी फिल्मों के लिए खसूसी असरात पर काम किया। वैष्णवी फिल्म ने बैरून मुल्क थिएटर के हकूक खरीदे थे। शिवा द सुपर हीरो 2 फिल्म को श्रीनिवासा रेड्डी ने डायरेक्ट किया था, जबकि ये श्रीनिवासा रेड्डी की ही स्क्रीन प्ले है। इस फिल्म की अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो आर वेंकट और के अची रेड्डी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको नागार्जुना, अनुष्का शेट्टी, प्रकाश राज और पी रविशंकर मेन किरदार में नज़र आएंगे। इस फिल्म की अगर सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो छोटा के नायडू ने इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी का काम किया था।
जबकि गौतम राजू ने इस फिल्म को एडिट किया था। इसके अलावा देवी श्री प्रसाद ने इस फिल्म के म्यूज़िक को कंपोज किया था। इस फिल्म के अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो आरआर मूवी मेकर्स के बैनर तले इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था। यह फिल्म 23 नवंबर 2012 को रिलीज़ हुई थी, जिसका रनिंग टाइम तकरीबन 157 मिनट है और इस फिल्म को उस वक्त सिर्फ तेलुगु जबान में रिलीज़ किया गया था। शिवा द सुपर हीरो 2 फिल्म को 35 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था, जबकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 18 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। इस फिल्म के अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 5.3 की रेटिंग मिली हुई है, जहां पर तकरीबन 677 लोगों ने इस फिल्म के लिए वोट किया है। शिवा द सुपर हीरो 2 2012 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन फैंटसी फिल्म है, जिसे श्रीनिवासा रेड्डी ने लिखा और हदायतकारी की और आरआर वेंकट ने आरआर मूवी मेकर्स पर प्रोड्यूस किया। इसमें नागार्जुन, अनुक्षा शेट्टी, प्रकाश राज और पी रविशंकर ने अदाकारी की है। मौसीकी देवी श्री प्रसाद ने तरतीब दी है, जिसकी सिनेमेटोग्राफी छोटा के नायडो ने की है। ये फिल्म 2012 में रिलीज़ हुई और नागार्जुन की कारकर्दगी को सहराने वाले नाकदीन के मुसबत जायजों के लिए खोली गई। नायडो ने बेहतरीन सिनेमेटोग्राफर साउथ का फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। शिवा द सुपर हीरो 2 फिल्म में हम देखते हैं कि फिल्म का मरकजी किरदार भगवान शिवा के इलाही फजल से पैदा हुआ है और लड़के के वालदैन को मशवरा दिया जाता है कि वो इसका नाम मलेकराजुन रखें, क्योंकि उसका मुकद्दर एक अजीम काम अंजाम देना है। अपने बचपन के दौरान मलकार्जुन को एक बड़े साने का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसके वालदैन और दादा दादी कासासी वापस आते ही एक बड़े पैंथर के हाथों मारे जाते हैं। इस वाक्य से उसकी छोटी बहन साइलो कमर से मफलूज होकर रह जाती है और इस वजह से वो लंगड़ी हो जाती है। साइलो इस वाक्य से पहले नाचने का हुनर रखता था। माली फिर भगवान शिवा के तई शदीद नफरत पैदा करता है। दरियासना मंदिर अंधा का सोरा नामी शैतान की तवज्जो की तरफ जाता है। हम उसे भगवान शिवा का वर्द हासिल करने के लिए सख्त तपस्या करते हुए देखते हैं। भगवान शिवा ने शैतान को बरकत दी कि वो तीनों जहानों पर मुकम्मल हुक्मरानी हासिल करने के लिए एक कुंवारी लड़की को कुर्बान करने के बाद की कोशिश में मुदाखलत नहीं करेगा। शैतान को उसकी बूढ़ी सहेली माई ने मशवरा दिया कि कुर्बानी एक महीने में 2 सूरज ग्रहण के साथ करनी चाहिए। इस तरह के इस लड़की से शादी करनी होगी और सूरज ग्रहण ख़त्म होने से पहले उसकी कुर्बानी करनी होगी। ये शैतान को बेमिसाल और 5वें अनासर पर मालिक बना देगा। इसके बाद कानी माली की तरफ मुंतकिल हो जाती है, जो अब एक बालिग है जिसका मकसद लोगों की मदद करना है और अपनी बिस्तर पर बहन की देखभाल करना है। उसे अस्पताल के दौरे पर डॉक्टर महेश्वरी से प्यार हो जाता है, जहां उसकी बहन का इलाज किया जा रहा है। ऐसे बहुत से मनाजिर हैं जहां मलहद माली अपने बचपन के सानिये की वजह से अपनी कॉलोनी के लोगों को, जिनमें रोदरकश, रंगू राजा, सदर और दीगर शामिल हैं, उनको पूजा ना करने पर मजबूर करता है। फिर एक दिन साइलो मरने ही वाली थी, जब माली जाता है। साइलो ने उसे बताया कि वो अपने नाकाबले बर्दाश्त दर्द की वजह से मरना चाहती है। इस मौके पर माली लॉर्ड शिवा से उसकी हालत के बारे में सवाल करता है और अपनी गाड़ी में चला जाता है। सिर्फ एक हादसे का सामना करना पड़ता है, लेकिन भगवान शिवा ने मुदाखलत की और उसे बचा लिया। भगवान शिवा अपने आप को सांबिया कहता है, माली से दोस्ती करता है और अपने घर चला जाता है। शैतान डॉक्टर महेश्वरी को कुर्बानी के लिए अपने हदफ के तौर पर चुनता है और सूरज ग्रहण के पहले दिन अगोरा जो मंदिर पहुँचते हैं उनको माही तक रसाई से रोकता है। माली ने माही को अघोरों से बचाया और माही के वालदैन माली को माही की देखभाल के लिए सौंप देते हैं। फिर माही के वालदैन माही की शादी एक रिश्तेदार राहुल से करने का फैसला करते हैं, जो अमेरिका से आने वाला है। ये मशवरा माही के ख़ानदान के जानने वाले एक साहिब ने दिया है। हवाई अड्डे पर पहुँचने पर अंधा कासोर ने राहुल को वाशरूम में मार डाला और उसकी लाश अपने पास रख ली। अंधा कासोर, जो अब राहुल की शक्ल में है, माही के घर में दाखिल होता है और माही की हिफाजत करने वाले 3 कुत्तों को मार डालता है। शैतान माही के वालिद को भी मफलूज कर देता है, जब उसे उसके बारे में सच्चाई मालूम होती है। वो एक मंदिर जाते हुए माली और माही को मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन भगवान शिवा ने अपनी अलाही गाड़ी नंदिनी को बेचकर मुदाखलत की, जो माली को बचाता है। इससे शैतान को गुस्सा आता है, जो महसूस करता है कि भगवान शिवा ने अपना वादा पूरा नहीं किया है। वो रब को चैलेंज करता है, जिसका वो जवाब देता है कि अपने अकीदतमंद की हिफाजत करना उसका फ़र्ज़ था। शैतान फिर लॉर्ड शिवा की मुखालफत करने का फैसला करता है।
इसलिए वो माही के ख़ानदान के नाम से मशहूर सन्नत को मार डालता है, उसकी नकल करता है और माली माही और दीगर को कायल करता है कि सांबिया के हाथों उसकी मौत का झूठा दावा करके सांबिया अच्छा इंसान नहीं है। उससे माली को सांबिया पर गुस्सा आता है और वो सांबिया की तरफ से दी गई दोस्ती की अंगूठी वापस कर देता है। आखिरकार माली ने माही के ख़ानदान को राज़ी कर लिया कि राहुल अंधा का शोर है। फिर शैतान माही को कुर्बानी के मुकाम पर ले जाता है और रस्म की तैयारी करता है। माली को अगोरा के सरबराह ने भगवान की शिवा की पूजा करने का मशवरा दिया। वो माली को अपने जन्म के मकसद के बारे में बताता है कि वो बदरूह को ख़त्म करे और उसे करने के ज़राए, क्योंकि वो माली के बचपन में उस सानिया का सबब था और भगवान शिवा ने उसे बचाया। सांबिया के तौर पर माली का मुकाबला शैतान से होता है और इब्तिदा में उसे शिकस्त होती है, लेकिन वो भगवान शिवा से आशीर्वाद हासिल करने के लिए आसमान की तरफ जाता है और आखिरकार अंधा कसोर को भगवान शिवा के दिए गए त्रिशूल से छेद करके तबाह कर देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। फिल्म की शूटिंग 25 अप्रैल 2011 को शुरू हुई। फिल्म का पहला शेड्यूल स्विट्ज़रलैंड में था, जहाँ नागार्जुना अनुष्का शेट्टी के साथ राजू संद्रम की कोरियोग्राफी में रोमांस करेंगे। 29 सितंबर 2012 को इस समाजी ख्याली फिल्म का थ्रेटिकल ट्रेलर फिल्म रेबल के साथ रिलीज़ हुआ, जिसने उस दिन सिनेमा घरों की जीनत बनाई। प्रोड्यूसर डॉक्टर वेंकट के मुताबिक ट्रेलर को फिल्म देखने वालों का ज़बरदस्त रद्दअमल मिला। यह फिल्म 70 मिनट से ज़्यादा के खसूसी असरात के साथ अब तक की पहली तेलुगु फिल्म है। फायरफ्री क्रिएटिव स्टूडियोज़ में बसरी असरात के माहिरीन की एक टीम एक साल से ज़्यादा अरसे से फिल्म पर काम कर रही है। फायरफ्लाई वो कंपनी जिसने अंजनी अरुंधति मंगदेरा और अनागंगा ओदेरोडोक जैसी फिल्मों के लिए खसूसी असरात पर काम किया। वैष्णवी फिल्म ने बैरून मुल्क थिएटर के हकूक खरीदे थे। शिवा द सुपर हीरो 2 फिल्म को श्रीनिवासा रेड्डी ने डायरेक्ट किया था, जबकि यह श्रीनिवासा रेड्डी की ही स्क्रीन प्ले है। इस फिल्म की अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो आर वेंकट और के अच्छी रेड्डी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको नागार्जुना, अनुष्का शेट्टी, प्रकाश राज और पी रविशंकर मेन किरदार में नज़र आएंगे। इस फिल्म की अगर सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो छोटा के नायडू ने इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी का काम किया था, जबकि गौतम राजू ने इस फिल्म को एडिट किया था। इसके अलावा देवी श्री प्रसाद ने इस फिल्म के म्यूज़िक को कंपोज़ किया था। इस फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो आर मूवी मेकर्स के बैनर तले इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था। यह फिल्म 23 नवंबर 2012 को रिलीज़ हुई थी, जिसका रनिंग टाइम तकरीबन 157 मिनट है और इस फिल्म को उस वक्त सिर्फ तेलुगु जबान में रिलीज़ किया गया था। शिवा द सुपर हीरो 2 फिल्म को 35 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था, जबकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 18 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। इस फिल्म के अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 5.3 की रेटिंग मिली हुई है, जहाँ पर तकरीबन 677 लोगों ने इस फिल्म के लिए वोट किया है। शिवा द सुपर हीरो 2 2012 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन फैंटसी फिल्म है, जिसे श्रीनिवासा रेड्डी ने लिखा और हदायतकारी की और आर वेंकट ने आर मूवी मेकर्स पर प्रोड्यूस किया। इसमें नागार्जुन, अनुक्षा शेट्टी, प्रकाश राज और पी रविशंकर ने अदाकारी की है। मौसीकी देवी श्री प्रसाद ने तरतीब दी है, जिसकी सिनेमेटोग्राफी छोटा के नायडू ने की है। ये फिल्म 2012 में रिलीज़ हुई और नागार्जुना की कारकर्दगी को सहराने वाले नाकदीन के मुसबत जायजों के लिए खोली गई। नायडू ने बेहतरीन सिनेमेटोग्राफर साउथ का फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। शिवा द सुपर हीरो 2 फिल्म में हम देखते हैं कि फिल्म का मरकजी किरदार भगवान शिवा के इलाही फजल से पैदा हुआ है और लड़के के वालदैन को मशवरा दिया जाता है कि वो इसका नाम मलेकरा जुन रखें, क्योंकि उसका मुकद्दर एक अजीम काम अंजाम देना है। अपने बचपन के दौरान मलकार्जुन को एक बड़े सानिये का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसके वालदैन और दादा दादी कासासी वापस आते ही एक बड़े पैंथर के हाथों मारे जाते हैं। इस वाक्य से उसकी छोटी बहन साइलो कमर से मफलूज होकर रह जाती है और इस वजह से वो लंगड़ी हो जाती है। साइलो इस वाक्य से पहले नाचने का हुनर रखता था। माली फिर भगवान शिवा के तई शदीद नफरत पैदा करता है। दरियासना मंदिर अंधा का सोरा नामी शैतान की तवज्जो की तरफ जाता है। हम उसे भगवान शिवा का वर्द हासिल करने के लिए सख्त तपस्या करते हुए देखते हैं। भगवान शिवा ने शैतान को बरकत दी कि वो तीनों जहानों पर मुकम्मल हुक्मरानी हासिल करने के लिए एक कुंवारी लड़की को कुर्बान करने के बाद की कोशिश में मुदाखलत नहीं करेगा।
शैतान को उसकी बड़ी सहेली माई ने मशवरा दिया कि कुर्बानी एक महीने में दो सूरज ग्रहण के साथ करनी चाहिए। इस तरह के इस लड़की से शादी करनी होगी और सूरज ग्रहण ख़त्म होने से पहले उसकी कुर्बानी करनी होगी। ये शैतान को बेमिसाल और पांचवें अनासर पर मालिक बना देगा। इसके बाद कानी माली की तरफ मुंतकिल हो जाती है, जो अब एक बालिग है जिसका मकसद लोगों की मदद करना है और अपनी बिस्तर पर बहन की देखभाल करना है। उसे अस्पताल के दौरे पर डॉक्टर महेश्वरी से प्यार हो जाता है, जहां उसकी बहन का इलाज किया जा रहा है। ऐसे बहुत से मनाजिर हैं जहां मलहद माली अपने बचपन के सानिये की वजह से अपनी कॉलोनी के लोगों को, जिनमें रोदरकश, रंगू राजा, सदर और दीगर शामिल हैं, उनको पूजा ना करने पर मजबूर करता है। फिर एक दिन साइलो मरने ही वाली थी, जब माली जाता है। साइलो ने उसे बताया कि वो अपने नाकाबले बर्दाश्त दर्द की वजह से मरना चाहती है। इस मौके पर माली लॉर्ड शिवा से उसकी हालत के बारे में सवाल करता है और अपनी गाड़ी में चला जाता है। सिर्फ एक हादसे का सामना करना पड़ता है, लेकिन भगवान शिवा ने मुदाखलत की और उसे बचा लिया। भगवान शिवा अपने आप को सांबिया कहता है, माली से दोस्ती करता है और अपने घर चला जाता है। शैतान डॉक्टर महेश्वरी को कुर्बानी के लिए अपने हदफ के तौर पर चुनता है और सूरज ग्रहण के पहले दिन अगोरा जो मंदिर पहुँचते हैं उनको माही तक रसाई से रोकता है। माली ने माही को अघोरों से बचाया और माही के वालदैन माली को माही की देखभाल के लिए सौंप देते हैं। फिर माही के वालदैन माही की शादी एक रिश्तेदार राहुल से करने का फैसला करते हैं, जो अमेरिका से आने वाला है। ये मशवरा माही के ख़ानदान के जानने वाले एक साहिब ने दिया है। हवाई अड्डे पर पहुँचने पर अंधा कासोर ने राहुल को वाशरूम में मार डाला और उसकी लाश अपने पास रख ली। अंधा कासोर, जो अब राहुल की शक्ल में है, माही के घर में दाखिल होता है और माही की हिफाजत करने वाले तीन कुत्तों को मार डालता है। शैतान माही के वालिद को भी मफलूज कर देता है, जब उसे उसके बारे में सच्चाई मालूम होती है। वो एक मंदिर जाते हुए माली और माही को मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन भगवान शिवा ने अपनी अलाही गाड़ी नंदिनी को बेचकर मुदाखलत की, जो माली को बचाता है। इससे शैतान को गुस्सा आता है, जो महसूस करता है कि भगवान शिवा ने अपना वादा पूरा नहीं किया है। वो रब को चैलेंज करता है, जिसका वो जवाब देता है कि अपने अकीदतमंद की हिफाजत करना उसका फ़र्ज था। शैतान फिर लॉर्ड शिवा की मुखालफत करने का फ़ैसला करता है, इसलिए वो माही के ख़ानदान के नाम से मशहूर सन्नत को मार डालता है, उसकी नकल करता है और माली, माही और दीगर को कायल करता है कि सांबिया के हाथों उसकी मौत का झूठा दावा करके सांबिया अच्छा इंसान नहीं है। उससे माली को सांबिया पर गुस्सा आता है और वो सांबिया की तरफ से दी गई दोस्ती की अंगूठी वापस कर देता है। आखिरकार माली ने माही के ख़ानदान को राज़ी कर लिया कि राहुल अंधा का सोर है। फिर शैतान माही को कुर्बानी के मुकाम पर ले जाता है और रस्म की तैयारी करता है। माली को अगोरा के सरबराह ने भगवान की शिवा की पूजा करने का मशवरा दिया। वो माली को अपने जन्म के मकसद के बारे में बताता है कि वो बदरूह को ख़त्म करे और उसे करने के ज़राए, क्योंकि वो माली के बचपन में उस सानिया का सबब था और भगवान शिवा ने उसे बचाया। सांबिया के तौर पर माली का मुकाबला शैतान से होता है और इब्तिदा में उसे शिकस्त होती है, लेकिन वो भगवान शिवा से आशीर्वाद हासिल करने के लिए आसमान की तरफ जाता है और आखिरकार अंधा कसोर को भगवान शिवा के दिए गए त्रिशूल से छेद करके तबाह कर देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। फिल्म की शूटिंग 25 अप्रैल 2011 को शुरू हुई। फिल्म का पहला शेड्यूल स्विट्ज़रलैंड में था, जहाँ नागार्जुना अनुष्का शेट्टी के साथ राजू संद्रम की कोरियोग्राफी में रोमांस करेंगे। 29 सितंबर 2012 को इस समाजी ख्याली फिल्म का थ्रेटिकल ट्रेलर फिल्म रेबल के साथ रिलीज़ हुआ, जिसने उस दिन सिनेमा घरों की जीनत बनाई। प्रोड्यूसर डॉक्टर वेंकट के मुताबिक ट्रेलर को फिल्म देखने वालों का ज़बरदस्त रद्दअमल मिला। यह फिल्म 70 मिनट से ज़्यादा के खसूसी असरात के साथ अब तक की पहली तेलुगु फिल्म है। फायरफ्री क्रिएटिव स्टूडियोज़ में बसरी असरात के माहिरीन की एक टीम एक साल से ज़्यादा अरसे से फिल्म पर काम कर रही है। फायरफ्लाई वो कंपनी जिसने अंजनी, अरुंधनिथि, मंगदेरा और अनागंगा ओदेरोडोक जैसी फिल्मों के लिए खसूसी असरात पर काम किया। वैष्णवी फिल्म ने बैरून मुल्क थिएटर के हकूक खरीदे थे। शिवा द सुपर हीरो 2 फिल्म को श्रीनिवासा रेड्डी ने डायरेक्ट किया था, जबकि ये श्रीनिवासा रेड्डी की ही स्क्रीन प्ले है। इस फिल्म की अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो आर वेंकट और के अच्छी रेड्डी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको नागार्जुना, अनुष्का शेट्टी, प्रकाश राज और पी रविशंकर मेन किरदार में नज़र आएंगे। इस फिल्म की अगर सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो छोटा के नायडू ने इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी का काम किया था।
जबकि गौतम राजू ने इस फिल्म को एडिट किया था। इसके अलावा देवी श्री प्रसाद ने इस फिल्म के म्यूज़िक को कंपोज किया था। इस फिल्म के अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो आरआर मूवी मेकर्स के बैनर तले इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था। यह फिल्म 23 नवंबर 2012 को रिलीज़ हुई थी, जिसका रनिंग टाइम तकरीबन 157 मिनट है और इस फिल्म को उस वक्त सिर्फ तेलुगु जबान में रिलीज़ किया गया था। शिवा द सुपर हीरो 2 फिल्म को 35 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था, जबकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 18 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। इस फिल्म के अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 5.3 की रेटिंग मिली हुई है, जहां पर तकरीबन 677 लोगों ने इस फिल्म के लिए वोट किया है। शिवा द सुपर हीरो 2 2012 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन फैंटसी फिल्म है, जिसे श्रीनिवासा रेड्डी ने लिखा और हिदायतकारी की और आरआर वेंकट ने आरआर मूवी मेकर्स पर प्रोड्यूस किया। इसमें नागार्जुन, अनुक्षा शेट्टी, प्रकाश राज और पी रविशंकर ने अदाकारी की है। मौसीकी देवी श्री प्रसाद ने तरतीब दी है, जिसकी सिनेमेटोग्राफी छोटा के नायडो ने की है। ये फिल्म 2012 में रिलीज़ हुई और नागार्जुन की कारकर्दगी को सहराने वाले नाकदीन के मुस्बत जायजों के लिए खोली गई। नायडो ने बेहतरीन सिनेमेटोग्राफर साउथ का फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। शिवा द सुपर हीरो 2 फिल्म में हम देखते हैं कि फिल्म का मरकजी किरदार भगवान शिवा के इलाही फजल से पैदा हुआ है और लड़के के वालदैन को मशवरा दिया जाता है कि वो इसका नाम मलेकराजुन रखें, क्योंकि उसका मुकद्दर एक अजीम काम अंजाम देना है। अपने बचपन के दौरान मलकार्जुन को एक बड़े साने का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसके वालदैन और दादा दादी कासासी वापस आते ही एक बड़े पैंथर के हाथों मारे जाते हैं। इस वाक्य से उसकी छोटी बहन साइलो कमर से मफलूज होकर रह जाती है और इस वजह से वो लंगड़ी हो जाती है। साइलो इस वाक्य से पहले नाचने का हुनर रखता था। माली फिर भगवान शिवा के तई शदीद नफरत पैदा करता है। दरियासना मंदिर अंधा का सोरा नामी शैतान की तवज्जो की तरफ जाता है। हम उसे भगवान शिवा का वर्द हासिल करने के लिए सख्त तपस्या करते हुए देखते हैं। भगवान शिवा ने शैतान को बरकत दी कि वो तीनों जहानों पर मुकम्मल हुक्मरानी हासिल करने के लिए एक कुंवारी लड़की को कुर्बान करने के बाद की कोशिश में मुदाखलत नहीं करेगा। शैतान को उसकी बूढ़ी सहेली माई ने मशवरा दिया कि कुर्बानी एक महीने में 2 सूरज ग्रहण के साथ करनी चाहिए। इस तरह के इस लड़की से शादी करनी होगी और सूरज ग्रहण ख़त्म होने से पहले उसकी कुर्बानी करनी होगी। ये शैतान को बेमिसाल और 5वें अनासर पर मालिक बना देगा। इसके बाद कानी माली की तरफ मुंतकिल हो जाती है, जो अब एक बालिग है जिसका मकसद लोगों की मदद करना है और अपनी बिस्तर पर अपनी बहन की देखभाल करना है। उसे अस्पताल के दौरे पर डॉक्टर महेश्वरी से प्यार हो जाता है, जहां उसकी बहन का इलाज किया जा रहा है। ऐसे बहुत से मनाजिर हैं जहां मलहद माली अपने बचपन के सानिये की वजह से अपनी कॉलोनी के लोगों को, जिनमें रोदरकश, रंगू राजा, सदर और दीगर शामिल हैं, उनको पूजा ना करने पर मजबूर करता है। फिर एक दिन साइलो मरने ही वाली थी, जब माली जाता है। साइलो ने उसे बताया कि वो अपने नाकाबले बर्दाश्त दर्द की वजह से मरना चाहती है। इस मौके पर माली लॉर्ड शिवा से उसकी हालत के बारे में सवाल करता है और अपनी गाड़ी में चला जाता है। सिर्फ एक हादसे का सामना करना पड़ता है, लेकिन भगवान शिवा ने मुदाखलत की और उसे बचा लिया। भगवान शिवा अपने आप को सांबिया कहता है, माली से दोस्ती करता है और अपने घर चला जाता है। शैतान डॉक्टर महेश्वरी को कुर्बानी के लिए अपने हदफ के तौर पर चुनता है और सूरज ग्रहण के पहले दिन अगोरा जो मंदिर पहुँचते हैं उनको माही तक रसाई से रोकता है। माली ने माही को अघोरों से बचाया और माही के वालदैन माली को माही की देखभाल के लिए सौंप देते हैं। फिर माही के वालदैन माही की शादी एक रिश्तेदार राहुल से करने का फैसला करते हैं, जो अमेरिका से आने वाला है। ये मशवरा माही के ख़ानदान के जानने वाले एक साहिब ने दिया है। हवाई अड्डे पर पहुँचने पर अंधा कासोर ने राहुल को वाशरूम में मार डाला और उसकी लाश अपने पास रख ली। अंधा कासोर, जो अब राहुल की शक्ल में है, माही के घर में दाखिल होता है और माही की हिफाजत करने वाले 3 कुत्तों को मार डालता है। शैतान माही के वालिद को भी मफलूज कर देता है, जब उसे उसके बारे में सच्चाई मालूम होती है। वो एक मंदिर जाते हुए माली और माही को मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन भगवान शिवा ने अपनी अलाही गाड़ी नंदिनी को बेचकर मुदाखलत की, जो माली को बचाता है। इससे शैतान को गुस्सा आता है, जो महसूस करता है कि भगवान शिवा ने अपना वादा पूरा नहीं किया है। वो रब को चैलेंज करता है, जिसका वो जवाब देता है कि अपने अकीदे अकीदतमंद की हिफाजत करना उसका फ़र्ज था।
शैतान फिर लॉर्ड शिवा की मुखालफत करने का फ़ैसला करता है, इसलिए वो माही के ख़ानदान के नाम से मशहूर सन्नत को मार डालता है, उसकी नकल करता है और माली माही और दीगर को कायल करता है कि सांबिया के हाथों उसकी मौत का झूठा दावा करके सांबिया अच्छा इंसान नहीं है। उससे माली को सांबिया पर गुस्सा आता है और वो सांबिया की तरफ से दी गई दोस्ती की अंगूठी वापस कर देता है। आखिरकार माली ने माही के ख़ानदान को राज़ी कर लिया कि राहुल अंधा का शोर है। फिर शैतान माही को कुर्बानी के मुकाम पर ले जाता है और रस्म की तैयारी करता है। माली को अगोरा के सरबराह ने भगवान की शिवा की पूजा करने का मशवरा दिया। वो माली को अपने जन्म के मकसद के बारे में बताता है कि वो बदरूह को ख़त्म करे और उसे करने के ज़राए, क्योंकि वो माली के बचपन में उस सानिया का सबब था और भगवान शिवा ने उसे बचाया। सांबिया के तौर पर माली का मुकाबला शैतान से होता है और इब्तिदा में उसे शिकस्त होती है, लेकिन वो भगवान शिवा से आशीर्वाद हासिल करने के लिए आसमान की तरफ जाता है और आखिरकार अंधा कसोर को भगवान शिवा के दिए गए त्रिशूल से छेद करके तबाह कर देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। फिल्म की शूटिंग 25 अप्रैल 2011 को शुरू हुई। फिल्म का पहला शेड्यूल स्विट्ज़रलैंड में था, जहां नागा रुजना अनुष्का शेट्टी के साथ राजू संद्रम की कोरियोग्राफी में रोमांस करेंगे। 29 सितंबर 2012 को इस समाजी ख्याली फिल्म का थ्रेटिकल ट्रेलर फिल्म रेबल के साथ रिलीज़ हुआ, जिसने उस दिन सिनेमा घरों की जीनत बनाई। प्रोड्यूसर डॉक्टर वेंकट के मुताबिक ट्रेलर को फिल्म देखने वालों का ज़बरदस्त रद्दअमल मिला। यह फिल्म 70 मिनट से ज़्यादा के खसूसी असरात के साथ अब तक की पहली तेलुगु फिल्म है। फायरफ्री क्रिएटिव स्टूडियोज़ में बसरी असरात के माहिरीन की एक टीम एक साल से ज़्यादा अरसे से फिल्म पर काम कर रही है। फायरफ्लाई वो कंपनी जिसने अंजनी अरुंधति मंगदेरा और अनागंगा ओदेरोडोक जैसी फिल्मों के लिए खसूसी असरात पर काम किया। वैष्णवी फिल्म ने बैरून मुल्क थिएटर के हकूक खरीदे थे। शिवा द सुपर हीरो 2 फिल्म को श्रीनिवासा रेड्डी ने डायरेक्ट किया था, जबकि यह श्रीनिवासा रेड्डी की ही स्क्रीन प्ले है। इस फिल्म की अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो आर वेंकट और के अची रेड्डी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको नागार्जुना, अनुष्का शेट्टी, प्रकाश राज और पी रविशंकर मेन किरदार में नज़र आएंगे। इस फिल्म की अगर सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो छोटा के नायडू ने इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी का काम किया था, जबकि गौतम राजू ने इस फिल्म को एडिट किया था। इसके अलावा देवी श्री प्रसाद ने इस फिल्म के म्यूज़िक को कंपोज़ किया था। इस फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो आर मूवी मेकर्स के बैनर तले इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था। यह फिल्म 23 नवंबर 2012 को रिलीज़ हुई थी, जिसका रनिंग टाइम तकरीबन 157 मिनट है और इस फिल्म को उस वक्त सिर्फ तेलुगु जबान में रिलीज़ किया गया था। शिवा द सुपर हीरो 2 फिल्म को 35 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था, जबकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 18 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। इस फिल्म के अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 5.3 की रेटिंग मिली हुई है, जहां पर तकरीबन 677 लोगों ने इस फिल्म के लिए वोट किया है। शिवा द सुपर हीरो 2 2012 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन फैंटसी फिल्म है, जिसे श्रीनिवासा रेड्डी ने लिखा और हदायतकारी की और आर वेंकट ने आर मूवी मेकर्स पर प्रोड्यूस किया। इसमें नागार्जुन, अनुक्षा शेट्टी, प्रकाश राज और पी रविशंकर ने अदाकारी की है। मौसीकी देवी श्री प्रसाद ने तरतीब दी है, जिसकी सिनेमेटोग्राफी छोटा के नायडू ने की है। ये फिल्म 2012 में रिलीज़ हुई और नागार्जुना की कारकर्दगी को सहराने वाले नाकदीन के मुसबत जायजों के लिए खोली गई। नायडू ने बेहतरीन सिनेमेटोग्राफर साउथ का फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। शिवा द सुपर हीरो 2 फिल्म में हम देखते हैं कि फिल्म का मरकजी किरदार भगवान शिवा के इलाही फजल से पैदा हुआ है और लड़के के वालदैन को मशवरा दिया जाता है कि वो इसका नाम मलेकरा जुन रखें, क्योंकि उसका मुकद्दर एक अजीम काम अंजाम देना है। अपने बचपन के दौरान मलकार्जुन को एक बड़े सानिये का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसके वालदैन और दादा दादी कासासी वापस आते ही एक बड़े पैंथर के हाथों मारे जाते हैं। इस वाक्य से उसकी छोटी बहन साइलो कमर से मफलूज होकर रह जाती है और इस वजह से वो लंगड़ी हो जाती है। साइलो इस वाक्य से पहले नाचने का हुनर रखता था। माली फिर भगवान शिवा के तई शदीद नफरत पैदा करता है। दरियासना मंदिर अंधा का सोरा नामी शैतान की तवज्जो की तरफ जाता है। हम उसे भगवान शिवा का वर्द हासिल करने के लिए सख्त तपस्या करते हुए देखते हैं। भगवान शिवा ने शैतान को बरकत दी कि वो तीनों जहानों पर मुकम्मल हुक्मरानी हासिल करने के लिए एक कुंवारी लड़की को कुर्बान करने के बाद की कोशिश में मुदाखलत नहीं करेगा।
शैतान को उसकी बड़ी सहेली माई ने मशवरा दिया कि कुर्बानी एक महीने में दो सूरज ग्रहण के साथ करनी चाहिए। इस तरह के इस लड़की से शादी करनी होगी और सूरज ग्रहण ख़त्म होने से पहले उसकी कुर्बानी करनी होगी। ये शैतान को बेमिसाल और पाँचवें अनासर पर मालिक बना देगा। इसके बाद कानी माली की तरफ मुंतकिल हो जाती है, जो अब एक बालिग है जिसका मकसद लोगों की मदद करना है और अपनी बिस्तर पर अपनी बहन की देखभाल करना है। उसे अस्पताल के दौरे पर डॉक्टर महेश्वरी से प्यार हो जाता है, जहां उसकी बहन का इलाज किया जा रहा है। ऐसे बहुत से मनाजिर हैं जहां मलहद माली अपने बचपन के सानिये की वजह से अपनी कॉलोनी के लोगों को, जिनमें रोदरकश, रंगू राजा, सदर और दीगर शामिल हैं, उनको पूजा ना करने पर मजबूर करता है। फिर एक दिन साइलो मरने ही वाली थी, जब माली जाता है। साइलो ने उसे बताया कि वो अपने नाकाबले बर्दाश्त दर्द की वजह से मरना चाहती है। इस मौके पर माली लॉर्ड शिवा से उसकी हालत के बारे में सवाल करता है और अपनी गाड़ी में चला जाता है। सिर्फ एक हादसे का सामना करना पड़ता है, लेकिन भगवान शिवा ने मुदाखलत की और उसे बचा लिया। भगवान शिवा अपने आप को सांबिया कहता है, माली से दोस्ती करता है और अपने घर चला जाता है। शैतान डॉक्टर महेश्वरी को कुर्बानी के लिए अपने हदफ के तौर पर चुनता है और सूरज ग्रहण के पहले दिन अगोरा जो मंदिर पहुँचते हैं उनको माही तक रसाई से रोकता है। माली ने माही को अघोरों से बचाया और माही के वालदैन माली को माही की देखभाल के लिए सौंप देते हैं। फिर माही के वालदैन माही की शादी एक रिश्तेदार राहुल से करने का फैसला करते हैं, जो अमेरिका से आने वाला है। ये मशवरा माही के ख़ानदान के जानने वाले एक साहिब ने दिया है। हवाई अड्डे पर पहुँचने पर अंधा कासोर ने राहुल को वाशरूम में मार डाला और उसकी लाश अपने पास रख ली। अंधा कासोर, जो अब राहुल की शक्ल में है, माही के घर में दाखिल होता है और माही की हिफाजत करने वाले तीन कुत्तों को मार डालता है। शैतान माही के वालिद को भी मफलूज कर देता है जब उसे उसके बारे में सच्चाई मालूम होती है। वो एक मंदिर जाते हुए माली और माही को मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन भगवान शिवा ने अपनी अलाही गाड़ी नंदिनी को बेचकर मुदाखलत की, जो माली को बचाता है। इससे शैतान को गुस्सा आता है, जो महसूस करता है कि भगवान शिवा ने अपना वादा पूरा नहीं किया है। वो रब को चैलेंज करता है, जिसका वो जवाब देता है कि अपने अकीदतमंद की हिफाजत करना उसका फ़र्ज था। शैतान फिर लॉर्ड शिवा की मुखालफत करने का फ़ैसला करता है, इसलिए वो माही के ख़ानदान के नाम से मशहूर सन्नत को मार डालता है, उसकी नकल करता है और माली, माही और दीगर को कायल करता है कि सांबिया के हाथों उसकी मौत का झूठा दावा करके सांबिया अच्छा इंसान नहीं है। उससे माली को सांबिया पर गुस्सा आता है और वो सांबिया की तरफ से दी गई दोस्ती की अंगूठी वापस कर देता है। आखिरकार माली ने माही के ख़ानदान को राज़ी कर लिया कि राहुल अंधा का सोर है। फिर शैतान माही को कुर्बानी के मुकाम पर ले जाता है और रस्म की तैयारी करता है। माली को अगोरा के सरबराह ने भगवान की शिवा की पूजा करने का मशवरा दिया। वो माली को अपने जन्म के मकसद के बारे में बताता है कि वो बदरूह को ख़त्म करे और उसे करने के ज़राए, क्योंकि वो माली के बचपन में उस सानिया का सबब था और भगवान शिवा ने उसे बचाया। सांबिया के तौर पर माली का मुकाबला शैतान से होता है और इब्तिदा में उसे शिकस्त होती है, लेकिन वो भगवान शिवा से आशीर्वाद हासिल करने के लिए आसमान की तरफ जाता है और आखिरकार अंधा कसोर को भगवान शिवा के दिए गए त्रिशूल से छेद करके तबाह कर देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। फिल्म की शूटिंग 25 अप्रैल 2011 को शुरू हुई। फिल्म का पहला शेड्यूल स्विट्ज़रलैंड में था, जहाँ नागार्जुना अनुष्का शेट्टी के साथ राजू संद्रम की कोरियोग्राफी में रोमांस करेंगे। 29 सितंबर 2012 को इस समाजी ख्याली फिल्म का थ्रेटिकल ट्रेलर फिल्म रेबल के साथ रिलीज़ हुआ, जिसने उस दिन सिनेमा घरों की जीनत बनाई। प्रोड्यूसर डॉक्टर वेंकट के मुताबिक ट्रेलर को फिल्म देखने वालों का ज़बरदस्त रद्दअमल मिला। यह फिल्म 70 मिनट से ज़्यादा के खसूसी असरात के साथ अब तक की पहली तेलुगु फिल्म है। फायरफ्री क्रिएटिव स्टूडियोज़ में बसरी असरात के माहिरीन की एक टीम एक साल से ज़्यादा अरसे से फिल्म पर काम कर रही है। फायरफ्लाई वो कंपनी जिसने अंजनी, अरुंधति मंगदेरा और अनागंगा ओदेरोडोक जैसी फिल्मों के लिए खसूसी असरात पर काम किया। वैष्णवी फिल्म ने बैरून मुल्क के थिएटर के हकूक खरीदे थे। शिवा द सुपर हीरो 2 फिल्म को श्रीनिवासा रेड्डी ने डायरेक्ट किया था, जबकि ये श्रीनिवासा रेड्डी की ही स्क्रीन प्ले है। इस फिल्म की अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो आर वेंकट और के अची रेड्डी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको नागार्जुना, अनुष्का शेट्टी, प्रकाश राज और पी रविशंकर मेन किरदार में नज़र आएंगे। इस फिल्म की अगर सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो छोटा के नायडू ने इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी का काम किया था।
जबकि गौतम राजू ने इस फिल्म को एडिट किया था। इसके अलावा देवी श्री प्रसाद ने इस फिल्म के म्यूज़िक को कंपोज किया था। इस फिल्म के अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो आरआर मूवी मेकर्स के बैनर तले इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था। यह फिल्म 23 नवंबर 2012 को रिलीज़ हुई थी, जिसका रनिंग टाइम तकरीबन 157 मिनट है और इस फिल्म को उस वक्त सिर्फ तेलुगु जबान में रिलीज़ किया गया था। शिवा द सुपर हीरो 2 फिल्म को 35 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था, जबकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 18 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। इस फिल्म के अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 5.3 की रेटिंग मिली हुई है, जहां पर तकरीबन 677 लोगों ने इस फिल्म के लिए वोट किया है। शिवा द सुपर हीरो 2 2012 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन फैंटसी फिल्म है, जिसे श्रीनिवासा रेड्डी ने लिखा और हिदायतकारी की और आरआर वेंकट ने आरआर मूवी मेकर्स पर प्रोड्यूस किया। इसमें नागार्जुन, अनुक्षा शेट्टी, प्रकाश राज और पी रविशंकर ने अदाकारी की है। मौसीकी देवी श्री प्रसाद ने तरतीब दी है, जिसकी सिनेमेटोग्राफी छोटा के नायडो ने की है। ये फिल्म 2012 में रिलीज़ हुई और नागार्जुन की कारकर्दगी को सहराने वाले नाकदीन के मुस्बत जायजों के लिए खोली गई। नायडो ने बेहतरीन सिनेमेटोग्राफर साउथ का फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। शिवा द सुपर हीरो 2 फिल्म में हम देखते हैं कि फिल्म का मरकजी किरदार भगवान शिवा के इलाही फजल से पैदा हुआ है और लड़के के वालदैन को मशवरा दिया जाता है कि वो इसका नाम मलेकराजुन रखें, क्योंकि उसका मुकद्दर एक अजीम काम अंजाम देना है। अपने बचपन के दौरान मलकार्जुन को एक बड़े सानिये का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसके वालदैन और दादा दादी कासासी वापस आते ही एक बड़े पैंथर के हाथों मारे जाते हैं। इस वाक्य से उसकी छोटी बहन साइलो कमर से मफलूज होकर रह जाती है और इस वजह से वो लंगड़ी हो जाती है। साइलो इस वाक्य से पहले नाचने का हुनर रखता था। माली फिर भगवान शिवा के तई शदीद नफरत पैदा करता है। दरियासना मंदिर अंधा का सोरा नामी शैतान की तवज्जो की तरफ जाता है। हम उसे भगवान शिवा का वर्द हासिल करने के लिए सख्त तपस्या करते हुए देखते हैं। भगवान शिवा ने शैतान को बरकत दी कि वो तीनों जहानों पर मुकम्मल हुक्मरानी हासिल करने के लिए एक कुंवारी लड़की को कुर्बान करने के बाद की कोशिश में मुदाखलत नहीं करेगा। शैतान को उसकी बूढ़ी सहेली माई ने मशवरा दिया कि कुर्बानी एक महीने में 2 सूरज ग्रहण के साथ करनी चाहिए। इस तरह के इस लड़की से शादी करनी होगी और सूरज ग्रहण ख़त्म होने से पहले उसकी कुर्बानी करनी होगी। ये शैतान को बेमिसाल और 5वें अनासर पर मालिक बना देगा। इसके बाद कानी माली की तरफ मुंतकिल हो जाती है, जो अब एक बालिग है जिसका मकसद लोगों की मदद करना है और अपनी बिस्तर पर अपनी बहन की देखभाल करना है। उसे अस्पताल के दौरे पर डॉक्टर महेश्वरी से प्यार हो जाता है, जहां उसकी बहन का इलाज किया जा रहा है। ऐसे बहुत से मनाजिर हैं जहां मलहद माली अपने बचपन के सानिये की वजह से अपनी कॉलोनी के लोगों को, जिनमें रोदरकश, रंगू राजा, सदर और दीगर शामिल हैं, उनको पूजा ना करने पर मजबूर करता है। फिर एक दिन साइलो मरने ही वाली थी, जब माली जाता है। साइलो ने उसे बताया कि वो अपने नाकाबले बर्दाश्त दर्द की वजह से मरना चाहती है। इस मौके पर माली लॉर्ड शिवा से उसकी हालत के बारे में सवाल करता है और अपनी गाड़ी में चला जाता है। सिर्फ एक हादसे का सामना करना पड़ता है, लेकिन भगवान शिवा ने मुदाखलत की और उसे बचा लिया। भगवान शिवा अपने आप को सांबिया कहता है, माली से दोस्ती करता है और अपने घर चला जाता है। शैतान डॉक्टर महेश्वरी को कुर्बानी के लिए अपने हदफ के तौर पर चुनता है और सूरज ग्रहण के पहले दिन अगोरा जो मंदिर पहुँचते हैं उनको माही तक रसाई से रोकता है। माली ने माही को अघोरों से बचाया और माही के वालदैन माली को माही की देखभाल के लिए सौंप देते हैं। फिर माही के वालदैन माही की शादी एक रिश्तेदार राहुल से करने का फैसला करते हैं, जो अमेरिका से आने वाला है। ये मशवरा माही के ख़ानदान के जानने वाले एक साहिब ने दिया है। हवाई अड्डे पर पहुँचने पर अंधा कासोर ने राहुल को वाशरूम में मार डाला और उसकी लाश अपने पास रख ली। अंधा कासोर, जो अब राहुल की शक्ल में है, माही के घर में दाखिल होता है और माही की हिफाजत करने वाले 3 कुत्तों को मार डालता है। शैतान माही के वालिद को भी मफलूज कर देता है, जब उसे उसके बारे में सच्चाई मालूम होती है। वो एक मंदिर जाते हुए माली और माही को मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन भगवान शिवा ने अपनी अलाही गाड़ी नंदिनी को बेचकर मुदाखलत की, जो माली को बचाता है। इससे शैतान को गुस्सा आता है, जो महसूस करता है कि भगवान शिवा ने अपना वादा पूरा नहीं किया है। वो रब को चैलेंज करता है, जिसका वो जवाब देता है कि अपने अकीदे अकीदतमंद की हिफाजत करना उसका फ़र्ज था।
शैतान फिर लॉर्ड शिवा की मुखालफत करने का फ़ैसला करता है, इसलिए वो माही के ख़ानदान के नाम से मशहूर सन्नत को मार डालता है, उसकी नकल करता है और माली माही और दीगर को कायल करता है कि सांबिया के हाथों उसकी मौत का झूठा दावा करके सांबिया अच्छा इंसान नहीं है। उससे माली को सांबिया पर गुस्सा आता है और वो सांबिया की तरफ से दी गई दोस्ती की अंगूठी वापस कर देता है। आखिरकार माली ने माही के ख़ानदान को राज़ी कर लिया कि राहुल अंधा का शोर है। फिर शैतान माही को कुर्बानी के मुकाम पर ले जाता है और रस्म की तैयारी करता है। माली को अगोरा के सरबराह ने भगवान की शिवा की पूजा करने का मशवरा दिया। वो माली को अपने जन्म के मकसद के बारे में बताता है कि वो बदरूह को ख़त्म करे और उसे करने के ज़राए, क्योंकि वो माली के बचपन में उस सानिया का सबब था और भगवान शिवा ने उसे बचाया। सांबिया के तौर पर माली का मुकाबला शैतान से होता है और इब्तिदा में उसे शिकस्त होती है, लेकिन वो भगवान शिवा से आशीर्वाद हासिल करने के लिए आसमान की तरफ जाता है और आखिरकार अंधा कसोर को भगवान शिवा के दिए गए त्रिशूल से छेद करके तबाह कर देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। फिल्म की शूटिंग 25 अप्रैल 2011 को शुरू हुई। फिल्म का पहला शेड्यूल स्विट्ज़रलैंड में था, जहां नागार्जुना अनुष्का शेट्टी के साथ राजू संद्रम की कोरियोग्राफी में रोमांस करेंगे। 29 सितंबर 2012 को इस समाजी ख्याली फिल्म का थ्रेटिकल ट्रेलर फिल्म रेबल के साथ रिलीज़ हुआ, जिसने उस दिन सिनेमा घरों की जीनत बनाई। प्रोड्यूसर डॉक्टर वेंकट के मुताबिक ट्रेलर को फिल्म देखने वालों का ज़बरदस्त रद्दअमल मिला। यह फिल्म 70 मिनट से ज़्यादा के खसूसी असरात के साथ अब तक की पहली तेलुगु फिल्म है। फायरफ्री क्रिएटिव स्टूडियोज़ में बसरी असरात के माहिरीन की एक टीम एक साल से ज़्यादा अरसे से फिल्म पर काम कर रही है। फायरफ्लाई वो कंपनी जिसने अंजनी अरुंधति मंगदेरा और अनागंगा ओदेरोडोक जैसी फिल्मों के लिए खसूसी असरात पर काम किया। वैष्णवी फिल्म ने बैरून मुल्क थिएटर के हकूक खरीदे थे। शिवा द सुपर हीरो 2 फिल्म को श्रीनिवासा रेड्डी ने डायरेक्ट किया था, जबकि यह श्रीनिवासा रेड्डी की ही स्क्रीन प्ले है। इस फिल्म की अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो आर वेंकट और के अच्छी रेड्डी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको नागार्जुना, अनुष्का शेट्टी, प्रकाश राज और पी रविशंकर मेन किरदार में नज़र आएंगे। इस फिल्म की अगर सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो छोटा के नायडू ने इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी का काम किया था, जबकि गौतम राजू ने इस फिल्म को एडिट किया था। इसके अलावा देवी श्री प्रसाद ने इस फिल्म के म्यूज़िक को कंपोज किया था। इस फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो आर मूवी मेकर्स के बैनर तले इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था। यह फिल्म 23 नवंबर 2012 को रिलीज़ हुई थी, जिसका रनिंग टाइम तकरीबन 157 मिनट है और इस फिल्म को उस वक्त सिर्फ तेलुगु जबान में रिलीज़ किया गया था। शिवा द सुपर हीरो 2 फिल्म को 35 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था, जबकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 18 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। इस फिल्म के अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 5.3 की रेटिंग मिली हुई है, जहां पर तकरीबन 677 लोगों ने इस फिल्म के लिए वोट किया है। शिवा द सुपर हीरो 2 2012 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन फैंटसी फिल्म है, जिसे श्रीनिवासा रेड्डी ने लिखा और हिदायतकारी की और आर वेंकट ने आर मूवी मेकर्स पर प्रोड्यूस किया। इसमें नागार्जुन, अनुक्षा शेट्टी, प्रकाश राज और पी रविशंकर ने अदाकारी की है। मौसीकी देवी श्री प्रसाद ने तरतीब दी है, जिसकी सिनेमेटोग्राफी छोटा के नायडू ने की है। ये फिल्म 2012 में रिलीज़ हुई और नागार्जुना की कारकर्दगी को सहराने वाले नाकदीन के मुसबत जायजों के लिए खोली गई। नायडू ने बेहतरीन सिनेमेटोग्राफर साउथ का फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। शिवा द सुपर हीरो 2 फिल्म में हम देखते हैं कि फिल्म का मरकजी किरदार भगवान शिवा के इलाही फजल से पैदा हुआ है और लड़के के वालदैन को मशवरा दिया जाता है कि वो इसका नाम मलेकराजुन रखें, क्योंकि उसका मुकद्दर एक अजीम काम अंजाम देना है। अपने बचपन के दौरान मलकार्जुन को एक बड़े सानिये का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसके वालदैन और दादा दादी कासासी वापस आते ही एक बड़े पैंथर के हाथों मारे जाते हैं। इस वाक्य से उसकी छोटी बहन साइलो कमर से मफलूज होकर रह जाती है और इस वजह से वो लंगड़ी हो जाती है। साइलो इस वाक्य से पहले नाचने का हुनर रखता था। माली फिर भगवान शिवा के तई शदीद नफरत पैदा करता है। दरियासना मंदिर अंधा का सोरा नामी शैतान की तवज्जो की तरफ जाता है। हम उसे भगवान शिवा का वर्द हासिल करने के लिए सख्त तपस्या करते हुए देखते हैं। भगवान शिवा ने शैतान को बरकत दी कि वो तीनों जहानों पर मुकम्मल हुक्मरानी हासिल करने के लिए एक कुंवारी लड़की को कुर्बान करने के बाद की कोशिश में मुदाखलत नहीं करेगा।
शैतान को उसकी बड़ी सहेली माई ने मशवरा दिया कि कुर्बानी एक महीने में दो सूरज ग्रहण के साथ करनी चाहिए। इस तरह के इस लड़की से शादी करनी होगी और सूरज ग्रहण ख़त्म होने से पहले उसकी कुर्बानी करनी होगी। ये शैतान को बेमिसाल और पाँचवें अनासर पर मालिक बना देगा। इसके बाद कानी माली की तरफ मुंतकिल हो जाती है, जो अब एक बालिग है जिसका मकसद लोगों की मदद करना है और अपनी बिस्तर पर बहन की देखभाल करना है। उसे अस्पताल के दौरे पर डॉक्टर महेश्वरी से प्यार हो जाता है, जहां उसकी बहन का इलाज किया जा रहा है। ऐसे बहुत से मनाजिर हैं जहां मलहद माली अपने बचपन के सानिये की वजह से अपनी कॉलोनी के लोगों को, जिनमें रोदरकश, रंगू राजा, सदर और दीगर शामिल हैं, उनको पूजा ना करने पर मजबूर करता है। फिर एक दिन साइलो मरने ही वाली थी, जब माली जाता है, साइलो ने उसे बताया कि वो अपने नाकाबले बर्दाश्त दर्द की वजह से मरना चाहती है। इस मौके पर माली लॉर्ड शिवा से उसकी हालत के बारे में सवाल करता है और अपनी गाड़ी में चला जाता है। सिर्फ एक हादसे का सामना करना पड़ता है, लेकिन भगवान शिवा ने मुदाखलत की और उसे बचा लिया। भगवान शिवा अपने आप को सांबिया कहता है, माली से दोस्ती करता है और अपने घर चला जाता है। शैतान डॉक्टर महेश्वरी को कुर्बानी के लिए अपने हदफ के तौर पर चुनता है और सूरज ग्रहण के पहले दिन अगोरा जो मंदिर पहुँचते हैं उनको माही तक रसाई से रोकता है। माली ने माही को अघोरों से बचाया और माही के वालदैन माली को माही की देखभाल के लिए सौंप देते हैं। फिर माही के वालदैन माही की शादी एक रिश्तेदार राहुल से करने का फैसला करते हैं, जो अमेरिका से आने वाला है। ये मशवरा माही के ख़ानदान के जानने वाले एक साहिब ने दिया है। हवाई अड्डे पर पहुँचने पर अंधा कासोर ने राहुल को वाशरूम में उसे मार डाला और उसकी लाश अपने पास रख ली। अंधा कासोर, जो अब राहुल की शक्ल में है, माही के घर में दाखिल होता है और माही की हिफाजत करने वाले तीन कुत्तों को मार डालता है। शैतान माही के वालिद को भी मफलूज कर देता है जब उसे उसके बारे में सच्चाई मालूम होती है। वो एक मंदिर जाते हुए माली और माही को मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन भगवान शिवा ने अपनी अलाही गाड़ी नंदिनी को बेचकर मुदाखलत की, जो माली को बचाता है। इससे शैतान को गुस्सा आता है, जो महसूस करता है कि भगवान शिवा ने अपना वादा पूरा नहीं किया है। वो रब को चैलेंज करता है, जिसका वो जवाब देता है कि अपने अकीदे अकीदतमंद की हिफाजत करना उसका फ़र्ज था। शैतान फिर लॉर्ड शिवा की मुखालफत करने का फ़ैसला करता है, इसलिए वो माही के ख़ानदान के नाम से मशहूर सन्नत को मार डालता है, उसकी नकल करता है और माली, माही और दीगर को कायल करता है कि सांबिया के हाथों उसकी मौत का झूठा दावा करके सांबिया अच्छा इंसान नहीं है। उससे माली को सांबिया पर गुस्सा आता है और वो सांबिया की तरफ से दी गई दोस्ती की अंगूठी वापस कर देता है। आखिरकार माली ने माही के ख़ानदान को राज़ी कर लिया कि राहुल अंधा का सोर है। फिर शैतान माही को कुर्बानी के मुकाम पर ले जाता है और रस्म की तैयारी करता है। माली को अगोरा के सरबराह ने भगवान की शिवा की पूजा करने का मशवरा दिया। वो माली को अपने जन्म के मकसद के बारे में बताता है कि वो बदरूह को ख़त्म करे और उसे करने के ज़राए, क्योंकि वो माली के बचपन में उस सानिया का सबब था और भगवान शिवा ने उसे बचाया। सांबिया के तौर पर माली का मुकाबला शैतान से होता है और इब्तिदा में उसे शिकस्त होती है, लेकिन वो भगवान शिवा से आशीर्वाद हासिल करने के लिए आसमान की तरफ जाता है और आखिरकार अंधा कसोर को भगवान शिवा के दिए गए त्रिशूल से छेद करके तबाह कर देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। फिल्म की शूटिंग 25 अप्रैल 2011 को शुरू हुई। फिल्म का पहला शेड्यूल स्विट्ज़रलैंड में था, जहां नागार्जुना अनुष्का शेट्टी के साथ राजू संद्रम की कोरियोग्राफी में रोमांस करेंगे। 29 सितंबर 2012 को इस समाजी ख्याली फिल्म का थ्रेटिकल ट्रेलर फिल्म रेबल के साथ रिलीज़ हुआ, जिसने उस दिन सिनेमा घरों की जीनत बनाई। प्रोड्यूसर डॉक्टर वेंकट के मुताबिक ट्रेलर को फिल्म देखने वालों का ज़बरदस्त रद्दअमल मिला। यह फिल्म 70 मिनट से ज़्यादा के खसूसी असरात के साथ अब तक की पहली तेलुगु फिल्म है। फायरफ्री क्रिएटिव स्टूडियोज़ में बसरी असरात के माहिरीन की एक टीम एक साल से ज़्यादा अरसे से फिल्म पर काम कर रही है। फायरफ्लाई वो कंपनी जिसने अंजनी, अरुंधति मंगदेरा और अनागंगा ओदेरोडोक जैसी फिल्मों के लिए खसूसी असरात पर काम किया। वैष्णवी फिल्म ने बैरून मुल्क थिएटर के हकूक खरीदे थे। शिवा द सुपर हीरो 2 फिल्म को श्रीनिवासा रेड्डी ने डायरेक्ट किया था, जबकि ये श्रीनिवासा रेड्डी की ही स्क्रीन प्ले है। इस फिल्म की अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो आर वेंकट और के अच्छी रेड्डी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको नागार्जुना, अनुष्का शेट्टी, प्रकाश राज और पी रविशंकर मेन किरदार में नज़र आएंगे। इस फिल्म की अगर सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो छोटा के नायडू ने इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी का काम किया था।
जबकि गौतम राजू ने इस फिल्म को एडिट किया था। इसके अलावा देवी श्री प्रसाद ने इस फिल्म के म्यूज़िक को कंपोज किया था। इस फिल्म के अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो RR मूवी मेकर्स के बैनर तले इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था। यह फिल्म 23 नवंबर 2012 को रिलीज़ हुई थी, जिसका रनिंग टाइम तकरीबन 157 मिनट है और इस फिल्म को उस वक्त सिर्फ तेलुगु जबान में रिलीज़ किया गया था। शिवा द सुपर हीरो 2 फिल्म को 35 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था, जबकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 18 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। इस फिल्म के अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 5.3 की रेटिंग मिली हुई है, जहां पर तकरीबन 677 लोगों ने इस फिल्म के लिए वोट किया है। शिवा द सुपर हीरो 2 2012 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन फैंटसी फिल्म है, जिसे श्रीनिवासा रेड्डी ने लिखा और हिदायतकारी की और RR वेंकट ने RR मूवी मेकर्स पर प्रोड्यूस किया। इसमें नागार्जुन, अनुक्षा शेट्टी, प्रकाश राज और पी रविशंकर ने अदाकारी की है। मौसीकी देवी श्री प्रसाद ने तरतीब दी है, जिसकी सिनेमेटोग्राफी छोटा के नायडो ने की है। ये फिल्म 2012 में रिलीज़ हुई और नागार्जुना की कारकर्दगी को सहराने वाले नाकदीन के मुस्बत जायजों के लिए खोली गई। नायडो ने बेहतरीन सिनेमेटोग्राफर साउथ का फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। शिवा द सुपर हीरो 2 फिल्म में हम देखते हैं कि फिल्म का मरकजी किरदार भगवान शिवा के इलाही फजल से पैदा हुआ है और लड़के के वालदैन को मशवरा दिया जाता है कि वो इसका नाम मलेकरा जुन रखें, क्योंकि उसका मुकद्दर एक अजीम काम अंजाम देना है। अपने बचपन के दौरान मलकार्जुन को एक बड़े सानिये का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसके वालदैन और दादा दादी कासासी वापस आते ही एक बड़े पैंथर के हाथों मारे जाते हैं। इस वाक्य से उसकी छोटी बहन साइलो कमर से मफलूज होकर रह जाती है और इस वजह से वो लंगड़ी हो जाती है। साइलो इस वाक्य से पहले नाचने का हुनर रखता था। माली फिर भगवान शिवा के तई शदीद नफरत पैदा करता है। दरियासना मंदिर अंधा का सोरा नामी शैतान की तवज्जो की तरफ जाता है। हम उसे भगवान शिवा का वर्द हासिल करने के लिए सख्त तपस्या करते हुए देखते हैं। भगवान शिवा ने शैतान को बरकत दी कि वो तीनों जहानों पर मुकम्मल हुक्मरानी हासिल करने के लिए एक कुंवारी लड़की को कुर्बान करने के बाद की कोशिश में मुदाखलत नहीं करेगा। शैतान को उसकी बूढ़ी सहेली माई ने मशवरा दिया कि कुर्बानी एक महीने में 2 सूरज ग्रहण के साथ करनी चाहिए। इस तरह के इस लड़की से शादी करनी होगी और सूरज ग्रहण ख़त्म होने से पहले उसकी कुर्बानी करनी होगी। ये शैतान को बेमिसाल और 5वें अनासर पर मालिक बना देगा। इसके बाद कानी माली की तरफ मुंतकिल हो जाती है, जो अब एक बालिग है जिसका मकसद लोगों की मदद करना है और अपनी बिस्तर पर बहन की देखभाल करना है। उसे अस्पताल के दौरे पर डॉक्टर महेश्वरी से प्यार हो जाता है, जहां उसकी बहन का इलाज किया जा रहा है। ऐसे बहुत से मनाजिर हैं जहां मलहद माली अपने बचपन के सानिये की वजह से अपनी कॉलोनी के लोगों को, जिनमें रोदरकश, रंगू राजा, सदर और दीगर शामिल हैं, उनको पूजा ना करने पर मजबूर करता है। फिर एक दिन साइलो मरने ही वाली थी, जब माली जाता है। साइलो ने उसे बताया कि वो अपने नाकाबले बर्दाश्त दर्द की वजह से मरना चाहती है। इस मौके पर माली लॉर्ड शिवा से उसकी हालत के बारे में सवाल करता है और अपनी गाड़ी में चला जाता है। सिर्फ एक हादसे का सामना करना पड़ता है, लेकिन भगवान शिवा ने मुदाखलत की और उसे बचा लिया। भगवान शिवा अपने आप को सांबिया कहता है, माली से दोस्ती करता है और अपने घर चला जाता है। शैतान डॉक्टर महेश्वरी को कुर्बानी के लिए अपने हदफ के तौर पर चुनता है और सूरज ग्रहण के पहले दिन अगोरा जो मंदिर पहुँचते हैं उनको माही तक रसाई से रोकता है। माली ने माही को अघोरों से बचाया और माही के वालदैन माली को माही की देखभाल के लिए सौंप देते हैं। फिर माही के वालदैन माही की शादी एक रिश्तेदार राहुल से करने का फैसला करते हैं, जो अमेरिका से आने वाला है। ये मशवरा माही के ख़ानदान के जानने वाले एक साहिब ने दिया है। हवाई अड्डे पर पहुँचने पर अंधा कासोर ने राहुल को वाशरूम में मार डाला और उसकी लाश अपने पास रख ली। अंधा कासोर, जो अब राहुल की शक्ल में है, माही के घर में दाखिल होता है और माही की हिफाजत करने वाले 3 कुत्तों को मार डालता है। शैतान माही के वालिद को भी मफलूज कर देता है, जब उसे उसके बारे में सच्चाई मालूम होती है। वो एक मंदिर जाते हुए माली और माही को मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन भगवान शिवा ने अपनी अलाही गाड़ी नंदिनी को बेचकर मुदाखलत की, जो माली को बचाता है। इससे शैतान को गुस्सा आता है, जो महसूस करता है कि भगवान शिवा ने अपना वादा पूरा नहीं किया है। वो रब को चैलेंज करता है, जिसका वो जवाब देता है कि अपने अकीदतमंद की हिफाजत करना उसका फ़र्ज़ था। शैतान फिर लॉर्ड शिवा की मुखालफत करने का फैसला करता है।
इसलिए वो माही के ख़ानदान के नाम से मशहूर सन्नत को मार डालता है, उसकी नकल करता है और माली माही और दीगर को कायल करता है कि सांबिया के हाथों उसकी मौत का झूठा दावा करके सांबिया अच्छा इंसान नहीं है। उससे माली को सांबिया पर गुस्सा आता है और वो सांबिया की तरफ से दी गई दोस्ती की अंगूठी वापस कर देता है। आखिरकार माली ने माही के ख़ानदान को राज़ी कर लिया कि राहुल अंधा का शोर है। फिर शैतान माही को कुर्बानी के मुकाम पर ले जाता है और रस्म की तैयारी करता है। माली को अगोरा के सरबराह ने भगवान की शिवा की पूजा करने का मशवरा दिया। वो माली को अपने जन्म के मकसद के बारे में बताता है कि वो बदरूह को ख़त्म करे और उसे करने के ज़राए, क्योंकि वो माली के बचपन में उस सानिया का सबब था और भगवान शिवा ने उसे बचाया। सांबिया के तौर पर माली का मुकाबला शैतान से होता है और इब्तिदा में उसे शिकस्त होती है, लेकिन वो भगवान शिवा से आशीर्वाद हासिल करने के लिए आसमान की तरफ जाता है और आखिरकार अंधा कसोर को भगवान शिवा के दिए गए त्रिशूल से छेद करके तबाह कर देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। फिल्म की शूटिंग 25 अप्रैल 2011 को शुरू हुई। फिल्म का पहला शेड्यूल स्विट्ज़रलैंड में था, जहाँ नागा रुजना अनुष्का शेट्टी के साथ राजू संद्रम की कोरियोग्राफी में रोमांस करेंगे। 29 सितंबर 2012 को इस समाजी ख्याली फिल्म का थ्रेटिकल ट्रेलर फिल्म रेबल के साथ रिलीज़ हुआ, जिसने उस दिन सिनेमा घरों की जीनत बनाई। प्रोड्यूसर डॉक्टर वेंकट के मुताबिक ट्रेलर को फिल्म देखने वालों का ज़बरदस्त रद्दअमल मिला। यह फिल्म 70 मिनट से ज़्यादा के खसूसी असरात के साथ अब तक की पहली तेलुगु फिल्म है। फायरफ्री क्रिएटिव स्टूडियोज़ में बसरी असरात के माहिरीन की एक टीम एक साल से ज़्यादा अरसे से फिल्म पर काम कर रही है। फायरफ्लाई वो कंपनी जिसने अंजनी अरुंधति मंगदेरा और अनागंगा ओदेरोडोक जैसी फिल्मों के लिए खसूसी असरात पर काम किया। वैष्णवी फिल्म ने बैरून मुल्क थिएटर के हकूक खरीदे थे। शिवा द सुपर हीरो 2 फिल्म को श्रीनिवासा रेड्डी ने डायरेक्ट किया था, जबकि यह श्रीनिवासा रेड्डी की ही स्क्रीन प्ले है। इस फिल्म की अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो आर वेंकट और के अच्छी रेड्डी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको नागार्जुना, अनुष्का शेट्टी, प्रकाश राज और पी रविशंकर मेन किरदार में नज़र आएंगे। इस फिल्म की अगर सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो छोटा के नायडू ने इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी का काम किया था, जबकि गौतम राजू ने इस फिल्म को एडिट किया था। इसके अलावा देवी श्री प्रसाद ने इस फिल्म के म्यूज़िक को कंपोज़ किया था। इस फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो आर मूवी मेकर्स के बैनर तले इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था। यह फिल्म 23 नवंबर 2012 को रिलीज़ हुई थी, जिसका रनिंग टाइम तकरीबन 157 मिनट है और इस फिल्म को उस वक्त सिर्फ तेलुगु जबान में रिलीज़ किया गया था। शिवा द सुपर हीरो 2 फिल्म को 35 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था, जबकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 18 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। इस फिल्म के अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 5.3 की रेटिंग मिली हुई है, जहां पर तकरीबन 677 लोगों ने इस फिल्म के लिए वोट किया है। शिवा द सुपर हीरो 2 2012 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन फैंटसी फिल्म है, जिसे श्रीनिवासा रेड्डी ने लिखा और हदायतकारी की और आर वेंकट ने आर मूवी मेकर्स पर प्रोड्यूस किया। इसमें नागार्जुन, अनुक्षा शेट्टी, प्रकाश राज और पी रविशंकर ने अदाकारी की है। मौसीकी देवी श्री प्रसाद ने तरतीब दी है, जिसकी सिनेमेटोग्राफी छोटा के नायडू ने की है। ये फिल्म 2012 में रिलीज़ हुई और नागार्जुना की कारकर्दगी को सहराने वाले नाकदीन के मुसबत जायजों के लिए खोली गई। नायडू ने बेहतरीन सिनेमेटोग्राफर साउथ का फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। शिवा द सुपर हीरो 2 फिल्म में हम देखते हैं कि फिल्म का मरकजी किरदार भगवान शिवा के इलाही फजल से पैदा हुआ है और लड़के के वालदैन को मशवरा दिया जाता है कि वो इसका नाम मलेकरा जुन रखें, क्योंकि उसका मुकद्दर एक अजीम काम अंजाम देना है। अपने बचपन के दौरान मलकार्जुन को एक बड़े सानिये का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसके वालदैन और दादा दादी कासासी वापस आते ही एक बड़े पैंथर के हाथों मारे जाते हैं। इस वाक्य से उसकी छोटी बहन साइलो कमर से मफलूज होकर रह जाती है और इस वजह से वो लंगड़ी हो जाती है। साइलो इस वाक्य से पहले नाचने का हुनर रखता था। माली फिर भगवान शिवा के तई शदीद नफरत पैदा करता है। दरियासना मंदिर अंधा का सोरा नामी शैतान की तवज्जो की तरफ जाता है। हम उसे भगवान शिवा का वर्द हासिल करने के लिए सख्त तपस्या करते हुए देखते हैं। भगवान शिवा ने शैतान को बरकत दी कि वो तीनों जहानों पर मुकम्मल हुक्मरानी हासिल करने के लिए एक कुंवारी लड़की को कुर्बान करने के बाद की कोशिश में मुदाखलत नहीं करेगा।
शैतान को उसकी बड़ी सहेली माई ने मशवरा दिया कि कुर्बानी एक महीने में दो सूरज ग्रहण के साथ करनी चाहिए। इस तरह के इस लड़की से शादी करनी होगी और सूरज ग्रहण ख़त्म होने से पहले उसकी कुर्बानी करनी होगी। ये शैतान को बेमिसाल और पाँचवें अनासर पर मालिक बना देगा। इसके बाद कानी माली की तरफ मुंतकिल हो जाती है, जो अब एक बालिग है जिसका मकसद लोगों की मदद करना है और अपनी बिस्तर पर अपनी बहन की देखभाल करना है। उसे अस्पताल के दौरे पर डॉक्टर महेश्वरी से प्यार हो जाता है, जहां उसकी बहन का इलाज किया जा रहा है। ऐसे बहुत से मनाजिर हैं जहां मलहद माली अपने बचपन के सानिये की वजह से अपनी कॉलोनी के लोगों को, जिनमें रोदरकश, रंगू राजा, सदर और दीगर शामिल हैं, उनको पूजा ना करने पर मजबूर करता है। फिर एक दिन साइलो मरने ही वाली थी, जब माली जाता है। साइलो ने उसे बताया कि वो अपने नाकाबले बर्दाश्त दर्द की वजह से मरना चाहती है। इस मौके पर माली लॉर्ड शिवा से उसकी हालत के बारे में सवाल करता है और अपनी गाड़ी में चला जाता है। सिर्फ एक हादसे का सामना करना पड़ता है, लेकिन भगवान शिवा ने मुदाखलत की और उसे बचा लिया। भगवान शिवा अपने आप को सांबिया कहता है, माली से दोस्ती करता है और अपने घर चला जाता है। शैतान डॉक्टर महेश्वरी को कुर्बानी के लिए अपने हदफ के तौर पर चुनता है और सूरज ग्रहण के पहले दिन अगोरा जो मंदिर पहुँचते हैं उनको माही तक रसाई से रोकता है। माली ने माही को अघोरों से बचाया और माही के वालदैन माली को माही की देखभाल के लिए सौंप देते हैं। फिर माही के वालदैन माही की शादी एक रिश्तेदार राहुल से करने का फैसला करते हैं, जो अमेरिका से आने वाला है। ये मशवरा माही के ख़ानदान के जानने वाले एक साहिब ने दिया है। हवाई अड्डे पर पहुँचने पर अंधा कासोर ने राहुल को वाशरूम में मार डाला और उसकी लाश अपने पास रख ली। अंधा कासोर, जो अब राहुल की शक्ल में है, माही के घर में दाखिल होता है और माही की हिफाजत करने वाले तीन कुत्तों को मार डालता है। शैतान माही के वालिद को भी मफलूज कर देता है, जब उसे उसके बारे में सच्चाई मालूम होती है। वो एक मंदिर जाते हुए माली और माही को मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन भगवान शिवा ने अपनी अलाही गाड़ी नंदिनी को बेचकर मुदाखलत की, जो माली को बचाता है। इससे शैतान को गुस्सा आता है, जो महसूस करता है कि भगवान शिवा ने अपना वादा पूरा नहीं किया है। वो रब को चैलेंज करता है, जिसका वो जवाब देता है कि अपने अकीदतमंद की हिफाजत करना उसका फ़र्ज था। शैतान फिर लॉर्ड शिवा की मुखालफत करने का फ़ैसला करता है, इसलिए वो माही के ख़ानदान के नाम से मशहूर सन्नत को मार डालता है, उसकी नकल करता है और माली, माही और दीगर को कायल करता है कि सांबिया के हाथों उसकी मौत का झूठा दावा करके सांबिया अच्छा इंसान नहीं है। उससे माली को सांबिया पर गुस्सा आता है और वो सांबिया की तरफ से दी गई दोस्ती की अंगूठी वापस कर देता है। आखिरकार माली ने माही के ख़ानदान को राज़ी कर लिया कि राहुल अंधा का सोर है। फिर शैतान माही को कुर्बानी के मुकाम पर ले जाता है और रस्म की तैयारी करता है। माली को अगोरा के सरबराह ने भगवान की शिवा की पूजा करने का मशवरा दिया। वो माली को अपने जन्म के मकसद के बारे में बताता है कि वो बदरूह को ख़त्म करे और उसे करने के ज़राए, क्योंकि वो माली के बचपन में उस सानिया का सबब था और भगवान शिवा ने उसे बचाया। सांबिया के तौर पर माली का मुकाबला शैतान से होता है और इब्तिदा में उसे शिकस्त होती है, लेकिन वो भगवान शिवा से आशीर्वाद हासिल करने के लिए आसमान की तरफ जाता है और आखिरकार अंधा कसोर को भगवान शिवा के दिए गए त्रिशूल से छेद करके तबाह कर देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। फिल्म की शूटिंग 25 अप्रैल 2011 को शुरू हुई। फिल्म का पहला शेड्यूल स्विट्ज़रलैंड में था, जहाँ नागार्जुना अनुष्का शेट्टी के साथ राजू संद्रम की कोरियोग्राफी में रोमांस करेंगे। 29 सितंबर 2012 को इस समाजी ख्याली फिल्म का थ्रेटिकल ट्रेलर फिल्म रेबल के साथ रिलीज़ हुआ, जिसने उस दिन सिनेमा घरों की जीनत बनाई। प्रोड्यूसर डॉक्टर वेंकट के मुताबिक ट्रेलर को फिल्म देखने वालों का ज़बरदस्त रद्दअमल मिला। यह फिल्म 70 मिनट से ज़्यादा के खसूसी असरात के साथ अब तक की पहली तेलुगु फिल्म है। फायरफ्री क्रिएटिव स्टूडियोज़ में बसरी असरात के माहिरीन की एक टीम एक साल से ज़्यादा अरसे से फिल्म पर काम कर रही है। फायरफ्लाई वो कंपनी जिसने अंजनी, अरुंधनिथि मंगदेरा और अनागंगा ओदेरोडोक जैसी फिल्मों के लिए खसूसी असरात पर काम किया। वैष्णवी फिल्म ने बैरून मुल्क के थिएटर के हकूक खरीदे थे। शिवा द सुपर हीरो 2 फिल्म को श्रीनिवासा रेड्डी ने डायरेक्ट किया था, जबकि ये श्रीनिवासा रेड्डी की ही स्क्रीन प्ले है। इस फिल्म की अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो आर वेंकट और के अच्छी रेड्डी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको नागार्जुना, अनुष्का शेट्टी, प्रकाश राज और पी रविशंकर मेन किरदार में नज़र आएंगे। इस फिल्म की अगर सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो छोटा के नायडू ने इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी का काम किया था।
जबकि गौतम राजू ने इस फिल्म को एडिट किया था। इसके अलावा देवी श्री प्रसाद ने इस फिल्म के म्यूज़िक को कंपोज किया था। इस फिल्म के अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो RR मूवी मेकर्स के बैनर तले इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था। यह फिल्म 23 नवंबर 2012 को रिलीज़ हुई थी, जिसका रनिंग टाइम तकरीबन 157 मिनट है और इस फिल्म को उस वक्त सिर्फ तेलुगु जबान में रिलीज़ किया गया था। शिवा द सुपर हीरो 2 फिल्म को 35 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था, जबकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 18 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। इस फिल्म के अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 5.3 की रेटिंग मिली हुई है, जहां पर तकरीबन 677 लोगों ने इस फिल्म के लिए वोट किया है। शिवा द सुपर हीरो 2 2012 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन फैंटसी फिल्म है, जिसे श्रीनिवासा रेड्डी ने लिखा और हिदायतकारी की और RR वेंकट ने RR मूवी मेकर्स पर प्रोड्यूस किया। इसमें नागार्जुन, अनुक्षा शेट्टी, प्रकाश राज और पी रविशंकर ने अदाकारी की है। मौसीकी देवी श्री प्रसाद ने तरतीब दी है, जिसकी सिनेमेटोग्राफी छोटा के नायडो ने की है। ये फिल्म 2012 में रिलीज़ हुई और नागार्जुना की कारकर्दगी को सहराने वाले नाकदीन के मुस्बत जायजों के लिए खोली गई। नायडो ने बेहतरीन सिनेमेटोग्राफर साउथ का फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। शिवा द सुपर हीरो 2 फिल्म में हम देखते हैं कि फिल्म का मरकजी किरदार भगवान शिवा के इलाही फजल से पैदा हुआ है और लड़के के वालदैन को मशवरा दिया जाता है कि वो इसका नाम मलेकरा जुन रखें, क्योंकि उसका मुकद्दर एक अजीम काम अंजाम देना है। अपने बचपन के दौरान मलकार्जुन को एक बड़े साने का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसके वालदैन और दादा दादी कासासी वापस आते ही एक बड़े पैंथर के हाथों मारे जाते हैं। इस वाक्य से उसकी छोटी बहन साइलो कमर से मफलूज होकर रह जाती है और इस वजह से वो लंगड़ी हो जाती है। साइलो इस वाक्य से पहले नाचने का हुनर रखता था। माली फिर भगवान शिवा के तई शदीद नफरत पैदा करता है। दरियासना मंदिर अंधा का सोरा नामी शैतान की तवज्जो की तरफ जाता है। हम उसे भगवान शिवा का वर्द हासिल करने के लिए सख्त तपस्या करते हुए देखते हैं। भगवान शिवा ने शैतान को बरकत दी कि वो तीनों जहानों पर मुकम्मल हुक्मरानी हासिल करने के लिए एक कुंवारी लड़की को कुर्बान करने के बाद की कोशिश में मुदाखलत नहीं करेगा। शैतान को उसकी बूढ़ी सहेली माई ने मशवरा दिया कि कुर्बानी एक महीने में 2 सूरज ग्रहण के साथ करनी चाहिए। इस तरह के इस लड़की से शादी करनी होगी और सूरज ग्रहण ख़त्म होने से पहले उसकी कुर्बानी करनी होगी। ये शैतान को बेमिसाल और 5वें अनासर पर मालिक बना देगा। इसके बाद कानी माली की तरफ मुंतकिल हो जाती है, जो अब एक बालिग है जिसका मकसद लोगों की मदद करना है और अपनी बिस्तर पर अपनी बहन की देखभाल करना है। उसे अस्पताल के दौरे पर डॉक्टर महेश्वरी से प्यार हो जाता है, जहां उसकी बहन का इलाज किया जा रहा है। ऐसे बहुत से मनाजिर हैं जहां मलहद माली अपने बचपन के सानिये की वजह से अपनी कॉलोनी के लोगों को, जिनमें रोदरकश, रंगू राजा, सदर और दीगर शामिल हैं, उनको पूजा ना करने पर मजबूर करता है। फिर एक दिन साइलो मरने ही वाली थी, जब माली जाता है। साइलो ने उसे बताया कि वो अपने नाकाबले बर्दाश्त दर्द की वजह से मरना चाहती है। इस मौके पर माली लॉर्ड शिवा से उसकी हालत के बारे में सवाल करता है और अपनी गाड़ी में चला जाता है। सिर्फ एक हादसे का सामना करना पड़ता है, लेकिन भगवान शिवा ने मुदाखलत की और उसे बचा लिया। भगवान शिवा अपने आप को सांबिया कहता है, माली से दोस्ती करता है और अपने घर चला जाता है। शैतान डॉक्टर महेश्वरी को कुर्बानी के लिए अपने हदफ के तौर पर चुनता है और सूरज ग्रहण के पहले दिन अगोरा जो मंदिर पहुँचते हैं उनको माही तक रसाई से रोकता है। माली ने माही को अघोरों से बचाया और माही के वालदैन माली को माही की देखभाल के लिए सौंप देते हैं। फिर माही के वालदैन माही की शादी एक रिश्तेदार राहुल से करने का फैसला करते हैं, जो अमेरिका से आने वाला है। ये मशवरा माही के ख़ानदान के जानने वाले एक साहिब ने दिया है। हवाई अड्डे पर पहुँचने पर अंधा कासोर ने राहुल को वाशरूम में मार डाला और उसकी लाश अपने पास रख ली। अंधा कासोर, जो अब राहुल की शक्ल में है, माही के घर में दाखिल होता है और माही की हिफाजत करने वाले 3 कुत्तों को मार डालता है। शैतान माही के वालिद को भी मफलूज कर देता है, जब उसे उसके बारे में सच्चाई मालूम होती है। वो एक मंदिर जाते हुए माली और माही को मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन भगवान शिवा ने अपनी अलाही गाड़ी नंदिनी को बेचकर मुदाखलत की, जो माली को बचाता है। इससे शैतान को गुस्सा आता है, जो महसूस करता है कि भगवान शिवा ने अपना वादा पूरा नहीं किया है। वो रब को चैलेंज करता है, जिसका वो जवाब देता है कि अपने अकीदे अकीदतमंद की हिफाजत करना उसका फ़र्ज था।
शैतान फिर लॉर्ड शिवा की मुखालफत करने का फ़ैसला करता है, इसलिए वो माही के ख़ानदान के नाम से मशहूर सन्नत को मार डालता है, उसकी नकल करता है और माली माही और दीगर को कायल करता है कि सांबिया के हाथों उसकी मौत का झूठा दावा करके सांबिया अच्छा इंसान नहीं है। उससे माली को सांबिया पर गुस्सा आता है और वो सांबिया की तरफ से दी गई दोस्ती की अंगूठी वापस कर देता है। आखिरकार माली ने माही के ख़ानदान को राज़ी कर लिया कि राहुल अंधा का शोर है। फिर शैतान माही को कुर्बानी के मुकाम पर ले जाता है और रस्म की तैयारी करता है। माली को अगोरा के सरबराह ने भगवान की शिवा की पूजा करने का मशवरा दिया। वो माली को अपने जन्म के मकसद के बारे में बताता है कि वो बदरूह को ख़त्म करे और उसे करने के ज़राए क्योंकि वो माली के बचपन में उस सानिया का सबब था और भगवान शिवा ने उसे बचाया। सांबिया के तौर पर माली का मुकाबला शैतान से होता है और इब्तिदा में उसे शिकस्त होती है, लेकिन वो भगवान शिवा से आशीर्वाद हासिल करने के लिए आसमान की तरफ जाता है और आखिरकार अंधा कसोर को भगवान शिवा के दिए गए त्रिशूल से छेद करके तबाह कर देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। फिल्म की शूटिंग 25 अप्रैल 2011 को शुरू हुई। फिल्म का पहला शेड्यूल स्विट्ज़रलैंड में था, जहां नागार्जुना अनुष्का शेट्टी के साथ राजू संद्रम की कोरियोग्राफी में रोमांस करेंगे। 29 सितंबर 2012 को इस समाजी ख्याली फिल्म का थ्रेटिकल ट्रेलर फिल्म रेबल के साथ रिलीज़ हुआ, जिसने उस दिन सिनेमा घरों की जीनत बनाई। प्रोड्यूसर डॉक्टर वेंकट के मुताबिक ट्रेलर को फिल्म देखने वालों का ज़बरदस्त रद्दअमल मिला। यह फिल्म 70 मिनट से ज़्यादा के खसूसी असरात के साथ अब तक की पहली तेलुगु फिल्म है। फायरफ्री क्रिएटिव स्टूडियोज़ में बसरी असरात के माहिरीन की एक टीम एक साल से ज़्यादा अरसे से फिल्म पर काम कर रही है। फायरफ्लाई वो कंपनी जिसने अंजनी अरुंधति मंगदेरा और अनागंगा ओदेरोडोक जैसी फिल्मों के लिए खसूसी असरात पर काम किया। वैष्णवी फिल्म ने बैरून मुल्क थिएटर के हकूक खरीदे थे। शिवा द सुपर हीरो 2 फिल्म को श्रीनिवासा रेड्डी ने डायरेक्ट किया था, जबकि यह श्रीनिवासा रेड्डी की ही स्क्रीन प्ले है। इस फिल्म की अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो आर वेंकट और के अच्छी रेड्डी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको नागार्जुना, अनुष्का शेट्टी, प्रकाश राज और पी रविशंकर मेन किरदार में नज़र आएंगे। इस फिल्म की अगर सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो छोटा के नायडू ने इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी का काम किया था, जबकि गौतम राजू ने इस फिल्म को एडिट किया था। इसके अलावा देवी श्री प्रसाद ने इस फिल्म के म्यूज़िक को कंपोज़ किया था। इस फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो आर मूवी मेकर्स के बैनर तले इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था। यह फिल्म 23 नवंबर 2012 को रिलीज़ हुई थी, जिसका रनिंग टाइम तकरीबन 157 मिनट है और इस फिल्म को उस वक्त सिर्फ तेलुगु जबान में रिलीज़ किया गया था। शिवा द सुपर हीरो 2 फिल्म को 35 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था, जबकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 18 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। इस फिल्म के अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 5.3 की रेटिंग मिली हुई है, जहां पर तकरीबन 677 लोगों ने इस फिल्म के लिए वोट किया है। तो दोस्तों, ये था शिवा द सुपर हीरो 2 मूवी का रिव्यू और इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।